मोहतरम जनाब, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब ऑर्गेनाइज़र मनाजरा मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, मेहमानाने ग्रामी जनाब पादी शफक शफीक कवल साहब और उनकी टीम के साथी, मोहतरम जनाब अब्दुलरहमान साहब और उनके साथी, महफिल में मौजूद तमाम शुरका को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। मुस्लिम डिबेट एकेडमी के फोरम से मैं उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुस्लिम डिबेट एकेडमी की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले मनाजरों के सिलसिले का आज दूसरा मनाजरा 13 मार्च बरोज़ इतवार मुनक्किद किया जा रहा है। मुस्लिम मनाजिर अब्दुलरहमान साहब और मसीही मनाजिर जनाब पादरी शफी कंवल साहब के माबेन, जिसका उनवान है नबी का मेयार अज़रुए इस्लाम और अज़रुए मसीहत। तमाम बाप को मनाजरे का फॉर्मेट में बताता चलूं। मनाजरे के जो मराइल हैं, इसमें सबसे पहले मुकदमा पेश किया जाएगा। मुकदमे का जो वक्त है वो 35 मिनट है। इसके बाद रिबटल होगा, उसके बाद इख्तितामी कलमात और सबसे आखिर में सवाल और जवाब की नशिस्त होगी। मेहमानों का तारुफ पेश करता हूँ। ताज़ी शफी कंवल साहब मसीही मनाजिर हैं, सेमरी में तालीम देते हैं, मुतादिद मनाजरे कर चुके हैं। पादरी साहब एम ए इस्लामियात हैं, क्रिश्चियन रिसर्च सेंटर में तालीम देते हैं। मेरी दूसरी जानिब अब्दुलरहमान साहब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं, तकाबुल ध्यान के मुतालिक बहुत सी कुतुब के मुसनिफ भी हैं, खसूसन अल बुरहान काबिल ज़िक्र है। सामीन से गुजारिश है, दौरान मनाजरा कोई शख्स जो है बात नहीं करेगा और उसके अलावा सुभान अल्लाह हल्लेलुया को इस तरह की तालियां वगैरह बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो मावनीन बैठे हुए मनाजरी के जो मनाजरीन के मावनीन हैं उनको भी बोलने का अख्तियार नहीं है, वो भी खामोश रहेंगे। वो सिर्फ मावनत की हद तक अपने काम करेंगे, उनका काम सिर्फ मावनत है। इसके अलावा इंतज़ामिया जो यहाँ पर मुस्लिम डिबेट अकेडमी की मेरे साथ ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़र को जो है सरबराह हैं इस मनाजरे के जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको मेरे साथ जो है सरमद बिलाल साहब इंतज़ामिया में टाइम कीपिंग ये करेंगे, और उसके अलावा जो इंतज़ामी मामला हैं ये हम तीनों मामला देखेंगे। सबसे पहले मैं मनाजरे के लिए मुकदमे के लिए दावत दूंगा पादरी शफी कंवल साहब को कि वो आए अपना मुकदमा पेश करें। उनके पास 35 मिनट का टाइम है। शुक्रिया। मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। हमारा आज का मनाजरे का टॉपिक है नबी का मेयार या क्राइटेरिया अज़रुए इस्लाम और मसीहत। जी स्टार्ट करें, मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उस नबी को खुदा की तरफ से होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि खुदा की तरफ से होना चाहिए तो मेरी मुराद इस कायनात के खालक और मालिक की तरफ इशारा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो और शख्सियात को भी खुदा का नाम दे देती हैं, इसलिए इस बात की क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा पत्रस कलाम मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरा पत्रस पहले बाब की 21वीं आयत, इसमें लिखा क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे मैं ये भी बयान करता चलूँ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ड्यूअल ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल ऑथरशिप का मतलब डिवाइन ऑथर उसका हमेशा खुदा है और इंसानी ऑथर इंसान या नबी या रसूल हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे डिवाइन ऑथर पे शक है तो फिर इंसानी ऑथर को हम कबूल नहीं करते। तो डिवाइन ऑथरशिप और ड्यूअल ऑथरशिप वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर चूँकि हमारा दावा यह है कि ये खुदा की तरफ से है, तो खुदा की तरफ से ये है तो इस बात को समझें कि इनमें यूनिटी होनी चाहिए,
क्योंकि आथर एक ही है, वो सबको लिखवा रहा है। बाइबल के मुतालिक ये बताऊं कि इसमें 66 बुक्स हैं और ये 66 किताबें 3 बर्रे आज़मों में बैठ के लिखी गई और मुख्तलिफ औकात में लिखी गई। 1500 या 1600 साल के अरसे में ये लिखी गई हैं। इनके बर्रे आज़म, इनके एरियाज मुख्तलिफ थे, इनकी ज़बानें मुख्तलिफ थी, इनके इलाके मुख्तलिफ थे, इनके कल्चर मुख्तलिफ थे, इसके बावजूद इन अंबिया इकराम की किताबों में इसलिए यूनिटी पाई जाती है कि उनका जो डिवाइन आथर था वो इस कायनात का खालिक और मालिक था। ज़बानें और कल्चर फ़र्क होने के बावजूद इनके अंदर इंतहा की यूनिटी पाई जाती है। फिर ये किताबें आपस में कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि जो मंसूबा है खुदा का वो सारी किताबों में एक ही है, वो एक दूसरे के साथ 100% मैच करती हैं और जो भी बात हो रही है वो गुज़श्ता से पेवस्ता और एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती है। इसको हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है। फिर ओल्ड टेस्टामेंट में जो नबियों की प्रोफेसीज हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है और सिर्फ मसीह यसू की ज़ात के मतलब 430 पेशगोइयाँ मौजूद हैं, जो सारी की सारी पेशगोइयाँ न्यू टेस्टामेंट में आके मसीह यसू की ज़ात पर मुंतबिक भी हुई और पूरी भी हुई। और ये पेशगोइयाँ ये नहीं है कि आज पेशगोई की और अगले महीने पूरी होगी, सदियों के बाद भी पूरी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँगा। उनमें से एक ख़ास बात कि बनी इसराइल के बारे में, पूरी कौम के बारे में एक पेशगोई है। अहबार की किताब 26वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है कि मैं बनी इसराइल को उनकी बदअमालियों की वजह से पूरी दुनिया में या कौमों में तितर बितर कर दूंगा। समटाइम्स मैं जो हवाला पढ़ता हूँ मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूँ, तो लेकिन उसका जिस्ट वही होता है। तो ये पेशगोई थी, अब ये पेशगोई सदियों के बाद पूरी हुई है। हिज़कियेल की किताब 11वें बाब की 17वीं आयत में कि मैं तुझको कौमों में से फराहम करूँगा। पहली पेशगोई है कि मैं तुझे तितर बितर कर दूँगा और हम जानते हैं तारीख हमें बताती है कि बनी इसराइल अपने मुल्क में नहीं थे, उनको पूरी दुनिया में बखेर दिया गया, तितर बितर कर दिया गया। फिर लिखा है कि मैं तुझे कौमों में से फराहम करूँगा, मैं तुझे मुल्कों में से फराहम करूँगा और इसराइल का मुल्क तुझे वापस दूँगा। तारीख हमें बताती है कि 1948 में दुनिया भर से इसराइली जमा हुए और वापस अपने मुल्क में आ गए। इससे बड़ी पेशगोई और कोई नहीं हो सकती जो उनकी ज़ात में पूरी हुई। और बाज़ का तो मैं सुनने में मिलता है कि जी वो अमेरिका ने कर दिया। भाई अमेरिका की भी जाए आप खुदा के ज़ुम्मे क्यों नहीं लगाते कि खुदा इसके पीछे था, वो महर्रक था। और ज़बूर 22, सिर्फ 22 ज़बूर के अंदर मसीह यसू की ज़ात के मतलब 16 पेशगोइयाँ, जो मसीह यसू की स्लीप पे आके एक एक पेशगोई मुंतबिक होती है। और उसमें ये भी आपको बताऊं कि न्यू टेस्टामेंट चारों अनाजील और न्यू टेस्टामेंट मसीह यसू की स्लीप के बारे में पूरी डिटेल देता है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ ये लिखा है कि मसीह यसू को जब मसलूब किया गया तो उसके हाथ छेदे गए। ये हमें ज़बूर 22 बताता है कि उसके पाँव भी छेदे गए और यह दुरुस्त बात थी। अच्छा, फिर साइंस और खुदा की दी हुई किताब में कोई फ़र्क नहीं हो सकता। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि इल्हामी किताब, तो नबी और किताब को मैं अल्टरनेटिव के तौर पे ले देता हूँ। ज़ाहिर है नबी है तो किताब है और किताब है तो नबी है, इसलिए मैं अल्टरनेटिव के तौर पर ले लेता हूँ। साइंटिफिक चीज़ें बताता हूँ और साइंस के मतलब ये भी बताऊँ कि चूँकि साइंस खुद खुदा की बनाई हुई है, साइंस अलग से कोई चीज़ नहीं है, इसका खालिक भी खुदा है। लिहाजा अगर खुदा ही की दी हुई किताब है तो इन दोनों में तजाद नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि बाइबल ने चंद बातें साइंस की बता देता हूँ सांप के मतलब।
ये आपने इंडियन फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में भी देखा होगा कि सांप बीन की आवाज़ पे मस्त होता है, सांप कहीं किसी के घर में घुस जाता है तो बीन वाला आके निकालता है, ये मफरूज़ा है। सांप थोड़ा स्टॉप कर लें अजान की वजह। जी, तो सांप बीन की आवाज़ सुनता नहीं है, ये एक मफरूज़ा है। अच्छा, ये वाली बात कि सांप बीन की आवाज़ सुनता नहीं है, ये 20वीं सदी में हमें पता चला, इससे पहले किसी को नहीं पता था। और फिल्मों वाले तो आजकल भी उसको बीन पे ही डांस करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा कि बाइबल, सदियों पहले बाइबल ने ज़बूर की किताब में बता दिया कि सांप सुन नहीं सकता। देखें ज़बूर 58 उसकी तीसरी आयत, उसमें लिखा है कि सांप के कान बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मंत्र पढ़ने वाला कितना भी होशियार या चलाक क्यों ना, सांप उसकी आवाज़ नहीं सुनता। ये ज़बूर की किताब में है। और फिर पैदाइश की तरफ वापस लेके जाऊंगा, जहां सांप को, औरत को और आदम को सज़ा दी गई। मैं बाकी सज़ाओं का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सांप का जिक्र करूंगा। उसको कहा गया कि तू आज के बाद पेट के बल चलेगा, जिसका ये मतलब बनता है कि इससे पहले सांप टांगों पे चलता था। अब दो बातें बताना चाहूँगा। सांप ने जब आदम को और हवा को बहकाया तो बोल के बात की, इसका मतलब वो बोलता भी था, इसका मतलब बोलता था तो सुनता भी था और चलता भी था। और मैंने अपना थीसिस इस बात पे लिखा था, हमारे पास ऐसे सांप के बाज ढांचे हैं कि जिसमें हाथ और बाजू और टांगें श्रिंक होके उसकी पसलियों के अंदर घुसी हुई हैं। ये साइंटिफिकली बता रहा हूँ, इसका मतलब कभी ये चलता भी था, बाइबल की बात दुरुस्त है। और ये जो लिखा कि कान बंद कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब जब सांप को सज़ा दी गई तो तीन पावर्स खुदा ने वापस ले ली थी, हेयरिंग पावर, वॉकिंग पावर और स्पीकिंग पावर, ये तीनों वापस ले ली थी। अब कान के बारे में मैं बताऊं कि ये BSc की किताब में मैंने पढ़ा था कि कान के दो हिस्से हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, ये आपको नज़र आ रहा है, एक इंटरनल ईयर। सांप का जो एक्सटर्नल ईयर है ये गायब है और जगह प्लेन कर दी गई है, लेकिन इंटरनल ईयर अगर आप खोपड़ी का डाइसेक्शन करें, 100% न्यू मशीनरी पूरी की पूरी अंदर पड़ी। किसी भी सांप का मेरा चैलेंज है, जाके काट के देख लें, अंदर वो मशीनरी पड़ी है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। ये कैसे हुआ, जब इसको सजा दी गई। और ज़बूर 58 इसकी तस्दीक कर रहा है कि सांप के कान बंद कर दिए गए। ज़ाकिर नायक साहब ने एक एतराज़ किया था कि जी बाइबल के खुदा ने कहा कि हर किस्म की जड़ी बूटियाँ पौधे तुम खा सकते हो, बास पौधे तो जहरीले होते हैं, उनको खाने से तो डेथ हो सकती है, दतूरा और दो तीन और है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एतराज़ किया उसने, अच्छा एतराज़ किया तो हमें अच्छा जवाब देने का मौका मिल गया। ये जो जहरीले पौधे हैं ये खुदा के ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर नहीं थे, इसलिए बाइबल को क्लैरिटी के साथ और सीक्वेंस के साथ पढ़े। जब खुदा ने चीज़ों को बनाया था तो पैदाइश की किताब में हर चीज़ को बनाने के बाद खुदा ने कहा कि अच्छा, तो उसमें ये नहीं था। अलबत्ता आदम के गुनाह के बाद जब ज़मीन लानती हुई है, तो उस वक्त खुदा ने ये सजा दी कि तेरे सबब से ज़मीन लानती हुई, अब ये झाड़ियाँ और ऊँट कटारे उगाएगी। इसका मतलब ऊँट कटारे, कांटे, पॉइजन, ये ओरिजिनल डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये फाल के या इंसानी गुनाह के बाद ये चीज़ें वजूद में आई हैं। तो जब खुदा ने उसको कहा था हर एक चीज़ खा, तो उसमें ये चीज़ें थी नहीं, वो खा सकता था। ये मालूमात अगर साइंस इनकी तस्दीक कर रही है और ये ठीक है, तो ये मालूमात अगर हज़ारों साल पहले किसी किताब में है, तो सिवाय कायनात के खालक और मालिक के और कोई ये इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता। तो कंसिस्टेंसी की मैंने बात की है, तो बाद लोग हमसे पूछते हैं कि भाई 66 किताबें क्यों, बल्कि किसी ने तो ये भी कह दिया कि क्रिश्चियन ने ये जो कैनन बनाई है
फहरिस्त मुसलमा बनाई है, एक बड़े से टेबल पे बहुत सारी किताबें रख दी, टेबल को ज़ोर से हिलाया, जो किताबें गिर गई वो कैनन से बाहर और जो किताबें ऊपर रह गईं वो बाइबल बन गई। लाहौल वाला कुव्वत, ये बात हमारे इलम में नहीं है कि ये कब हुई, ख्वाब आ गया होगा किसी को। ये किताबें, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों ने जाली किताबें लिखी, उन्होंने दावे कर दिए कि ये भी हैं, और आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि जब इस्लाम आया तो उस वक्त भी 6-7 झूठे दावेदार मौजूद थे। तो ये मुमकिनात में से है कि लोग झूठे दावे भी करते हैं। अनाजील जब लिखी जा रही थी तो उसके फौरन बाद बहुत सारे लोगों ने जाली भी लिख दी, लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया है, इसलिए हमने सबसे पहली बात जो है कि ये किताबें पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा की किताब तक एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। सबसे बड़ी निशानी तो ये, और भी हैं बातें, मैंने आपको पहला क्राइटेरिया बताया था कि उस खुदा की ज़ात की तरफ से होनी चाहिए, तो अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब खुदा ने नहीं लगवाई। अच्छा, बहुत सारी किताबें नॉन कंसिस्टेंट हैं, इसके साथ मैच नहीं करती, मसलन एपोक्रिफल बुक है तो बहुत सारी, अच्छा मसलन तौबत, इसके बारे में बाप की नवी आयत में लिखा है कि मैन इज़ सेव बाई वर्क्स, ये बिब्लिकल थियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, बाइबल से कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर बरज़ख की तालीम के जन्नत या दोज़ख में जाने से पहले एक को दरमियान का भी मकाम है जिसे बरज़ख कहते हैं, वहाँ इंसान को रखा जाएगा और वहाँ वो अपना पूरा करेगा टाइम पीरियड सजा दी, इसको बरज़ख, ये बाइबल की तालीम नहीं है, ना मसीह यसू ने इसके बारे में ये कहा। तो मकाबियों की किताब में ये तालीम भी मौजूद है, और भी बहुत सारी बातें हैं, हमें पता चल जाता है कि ये किताब जाली है इसलिए इसको रद्द कर देते हैं। न्यू टेस्टामेंट जब लिखा गया तो बड़ा ही सिंपल बात था, चूँकि हमारा अकीदा है कि मसीह यसू खुदा थे और खुदा से तो कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, उसने ओल्ड टेस्टामेंट की तस्दीक की, सारी किताबों की तस्दीक कर दी, उससे हवाले भी दिए, और शागिर्द रसूल जो मसीह यसू के साथ थे वो चूँकि 3.5 साल खुदा के साथ रहे इसलिए वो भी झूठ नहीं बोल सकते, उनके जहनों को भी खुदा ने मुनव्वर कर दिया था। तो जब तक रसूल भी जिंदा थे तो ये क्वेश्चन ही नहीं था कि कौन सी किताब असल है या कौन सी, ये क्वेश्चन ही नहीं था, बंदे जिंदा थे, वो चश्मदीद गवाह भी थे और खुदा के साथ रहे थे। तो सच्चे और झूठे नबी के इम्तियाज़ में एक हवाला भी पढ़ दूँ, इस्तिस्ना 18वें बाब में 2 नबियों का ज़िक्र है, इसको ख़ास तौर पे सुनिएगा। शुरू में सच्चे नबी का ज़िक्र है और लिखा है कि वो वही कहेगा जिसका मैं उसको हुक्म दूंगा और जो उसकी ना सुनेगा उसका मैं उससे हिसाब लूँगा। ये मसीह यसू की ज़ात के बारे में आपको पता ये पेश हुई है, लेकिन दूसरा इसका जो हिस्सा है वो लिखा है झूठे नबी के बारे में, वो लिखा है कि अगर कोई नबी गुस्ताख बनकर ये दावा कर दे कि मैं नबी हूँ और मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मुझे खुदा ने कहा है, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, लोग पूछेंगे कि भाई हमें क्या पता उसने दावा कर दिया तो वो कह रहा है मैं नबी हूँ। तो खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर वो ये दावा करे और उसके बाद वो कुछ कहे या पेशगोई करे या दावा करे और उसके दावे के मुताबिक वाकया ना हो तो समझ जाना कि ये नबी झूठा है, वो नबी वाजिबुल कतल होगा, ये मियार दे दिया। अब मसीह यसू के बारे में हमारे पास एविडेंस हैं कि क्या वो जो कुछ कह रहा था उसके कहे के मुताबिक हो रहा था। आप जानते हैं कि जब तूफ़ान आ गया उस झील के बीच में तो मसीह यसू ने कहा थम जा, तो पानी और तूफ़ान थम गए और लोगों ने इस बात को एडमिट किया कि ये कौन शख्स है कि हवा और पानी और मज़ाहरे कुदरत भी इसका हुक्म मानते हैं। और लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था उसको मसीह यसू ने कहा कब्र से बाहर आ, और वो कब्र से बाहर आ गया अपने कफन समेत। अच्छा, लेकिन झूठे नबी के बारे में मैंने आपको बताया, हाँ एक और वाक्या बताता चलूँ कि मफलूज को मसीह यसू ने कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, यहूदियों ने एतराज़ किया कि ये कौन है गुनाह माफ़ करने वाला, ये इख्तियार तो खुदाई इख्तियार है। तो मसीह यसू ने उनसे सवाल पूछा कि आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और चल।
और मैं आपको बताऊं कि अगर वो अपनी चारपाई उठा के ना चलता, जो कि मफलूज था, जिसको चार बंदों ने छत उधेड़ के नीचे उतारा था, उसने सचमुच अपनी चारपाई उठाई और चल पड़ा, इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ स्टेटमेंट का था वो भी दुरुस्त था कि तेरे गुनाह माफ हुए। झूठे नबी के बारे में तो बाइबल ने बड़ा क्लियर एविडेंस दे दिया कि अगर उसके कहने के मुताबिक वाकया ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं होगी, ऐसा शख्स वाजिबुल कतल होगा। एविडेंस के लिए मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की मिसाल दे दूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं महमदी बेगम से शादी करूंगा और अगर मेरे से शादी नहीं करेगी तो ये मुझसे पहले मर जाएगी, और किताबें बताती हैं कि ना वो शादी के लिए मानी और जनाब अली ख़ुद उससे पहले वफात पा गए थे, वो काफ़ी देर तक जिंदा रही। यर्मिया में 23वें बाब की 30वीं और 32वीं आयत में लिखा है कि देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ। हाँ, बाइबल में दो तीन असलाहत और इस्तेमाल होती है, बाद का नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बता देता है कि ये झूठे नबी की बात हो रही है या सच्चे नबी की बात, कॉन्टेक्स्ट बताता है। बाज़ औक़ात इनको गैबीन भी कहा गया और ख़्वाबीन भी कहा गया। तो देख मैं नबियों का मुखालिफ हूँ जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं, जो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा फरमाता है। झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते हैं। बाइबल कहती है कि मैं ऐसे नबियों का क्या हूँ, मुखालिफ हूँ। सच्चे नबी की एक और बात कि डू नॉट कम्प्रोमाइज़ विद द वर्ल्ड, ये तो ईमानदारों के लिए भी हुक्म है और नबी के लिए तो खसूसी बात है कि वो नबी फिर किस बात का कि अगर वो दुनिया से या बादशाहों से या अरबाब इक्तदार से या किसी साहिब हसीयत से या किसी शख्स का चेहरा देखकर उससे कम्प्रोमाइज़ कर जाए या उससे समझौता कर ले तो वो नबी नहीं हो सकता। मसीह यसू ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ईमानदारों के लिए भी है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना है आपने, वो नबी से तो बेशक हम ये तवक्को करते हैं। इस्तिस्ना 13वें बाब की पहली तीन आयत, ख्वाबीन और गैबीन लिखा है। अच्छा, यहाँ पर उससे भी बड़ी बात एक लिखी है कि ऐन मुमकिन है कि वो आपको निशान भी दिखा दें। आप कहें जी हमें कोई निशान दिखाओ, मौजदा दिखाओ, तो वो आपको दिखा भी दें, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर उनका निशान पूरा भी हो जाए और वो लेकिन अगर वो गैर मबूदों की प्रस्तश का कहे तो उसकी ना सुनना। स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, बाइबल आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ को अलग करके बताती है। नए हज़रनामे में पौलुस रसूल फरमाते हैं गलतियों 1:8 कि जो खुशखबरी तुम्हें हमने सुनाई, कोई फरिश्ता भी तुम्हें अगर कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाऊन हो। दोनों टेस्टामेंट के अंदर मैंने बता दिया कि अगर कोई निशान भी दिखा दे, अगर कोई फरिश्ता भी आ जाए लेकिन बात डिफरेंट करे, आप उसकी सुनने के पाबंद नहीं हैं। वही बात कि बाकी किताबों को एक दूसरे के साथ एक एक हर्फ को एक एक आयत को कंसिस्टेंट होना चाहिए। मसीह ने भी नबी का मियार बता दिया। मत्ती 7वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अच्छा, बाज़ लोग इससे ये इस्तदलाल करते हैं कि नबूवत जारी रहेगी। नो, मसीह यसू ने यह नहीं कहा, और बहुत सारे हवाले जिससे पता चलता है कि नबूवत यूहन्ना नबी पे ख़त्म होगी और मसीह ने उन सारी चीज़ों की तकमील कर दी है। तो लिखा उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे, क्योंकि दावा तो कोई भी कर सकता है, ऐसी ऐसी तकरीर लोग कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं कि वो आपको शीशे में उतार लेंगे, लेकिन क्या उनके काम ठीक है? अगर काम उसके साथ मैच नहीं करते तो समझ लेना कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। एक नबूवत का क्राइटेरिया ये भी है कि लोगों ने, इसकी मिसालें मौजूद हैं कि किसी ने नबूवत का दावा किया है तो उससे निशानी मांगी या मौजज़ात मांगे हैं। मसीह यसु को भी लोग कह रहे थे, यूहन्ना को भी ये कह रहे थे,
और भी सबूत इस बात के हैं कि मौजज़ात हमें दिखाओ। तो मसीह यसु से भी ये निशान मांगे गए। अच्छा, मसीह यसु के बारे में बड़ी अजीब बात है कि वो तो मौजज़ात रोज़ाना दिखा रहे थे, लाजर को जब ज़िंदा किया ये 4 दिन का मुर्दा था, तो क्या ये निशान नहीं था, क्या ये मौजज़ा नहीं था? यायर की बेटी को ज़िंदा किया, क्या ये निशान नहीं था? और 5,000 को 2 5 रोटियां 2 मछलियों से खाना खिला दिया, ये निशान नहीं था? निशान थे। 10 कोढ़ियों को शफा दे दी। 38 वर्ष का एक शख्स बीमार था जो हिल नहीं सकता था, उसको चलता किया। एक शख्स का हाथ सूखा हुआ था, वो दुरुस्त कर दिया। क्या ये निशान नहीं थे? और भी निशान थे। अंधे की आँख में आई बॉल नहीं था, आई बॉल फ्रेश बना के उसकी आँख में डाल दिया, निशान नहीं था? फिर भी यहूदी कह रहे थे, फकीर और फरीसी ये कह रहे थे कि हमें निशान दिखा। तो मसीह यसु से जो निशान मांग रहे थे, वो निशान सिर्फ नबी होने का नहीं था। अगर मसीह यसु सिर्फ ये दावा कर देते कि हाँ मैं नबी हूँ, तो कोई मसला नहीं था, ये आपने निशान दिखा दिया काफ़ी है। लेकिन उनको पता था कि ये नबी से बढ़कर को दावा कर रहे हैं। और मसीह यसु ने कहा, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो नबी से भी बड़ा, इसलिए हमें निशान भी बड़ा चाहिए। तो वो बड़ा निशान फिर मसीह यसु ने कहा, दिखा दूँगा आपको, इन्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। और वह जो मसीह यसु की मौत और जी उठना, यही उस निशान की तकमील थी। ये डिमांड रसूल इस्लाम से भी की, आप जानते हैं सूरह बनी इसराइल की 90, 91 और 92 आयत में लोगों ने ये डिमांड की कि हमें मौजज़ात दिखा। और बहुत सारी डिटेल भी उन्होंने बताई कि खजूरों का बाग रातों रात लगाए, चश्मा निकलना चाहिए, सोने का महल वगैरह वगैरह। तारीख़ और तफसीर और हदीस में भी ये डिमांड्स लोगों की हैं जो उन्होंने की कि हमें दिखा। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, मसीह यसु से भी लोगों ने कहा कि भाई हम निशान देखना चाहते हैं। तो बल्कि कुरान मजीद के अंदर और भी, एक तो सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 28 की 48 आयत में कि मूसा की तरह मौजज़ात क्यों नहीं है आपके पास, और फिर लेकिन कुरान मजीद के अंदर हमें ये इशारा मिलता है कि वो मौजज़ात उन्होंने नहीं दिखाए। और कहते हैं ये लोग, क्यों नहीं उतारी गई इस रसूल पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से? कहो बेशक अल्लाह कादर है इस पर कि उतारे कोई निशानी। सूरह नंबर 6:37 और सूरह नंबर 6:57 में भी यही बात की गई है कि हमें फिर ये दावा भी किया जाता है कि इस्लामी मुआद सबका अंबिया का तसलसल है। अब आप इसमें तफसीलात समझ सकते हैं, कुछ बातें मैंने अपने तरीके से करनी है। सूरह नंबर 42:13 आयत है कि ये दीन वही है जो हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, नूह और इब्राहिम का था। सूरह नंबर 2:84 आयत में लिखा कि इस्लामी अकीदा साबका अंबिया पर ईमान। और सूरह नंबर 28:49 आयत में कुरान और तरीत जैसी किताब लाओ, यानी जो चैलेंज किया गया वो सिर्फ कुरान का नहीं है, वो तरीत का भी साथ चैलेंज किया गया कि ऐसी किताब। इसका मतलब साबका किताबों का तसलसल ही समझा जाता है इसको। लेकिन मैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इससे इतफाक़ नहीं करता, क्योंकि हमारी तालीमात बिल्कुल फ़र्क हैं। दूसरा पत्रस तीसरे बाब की 9 आयत में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि इसके बरअक्स सूरह अल इराफ उसकी 179 आयत में कि बाद जिन्नात और इंसान को दोजख के लिए पैदा किया गया है। तो ये हमारी बुनियादी तालीम है। फिर कफारा या कफरा, ये रूट है, इससे लफ्ज़ कफारा बनता है और इसी से कुफर और काफर बनता है। मैं समझता हूँ कि बाइबल में तो ज़्यादा जो लफ्ज़ इससे जो अख़ज़ किया गया वो कफारा है, जबकि इस्लामी लिटरेचर के अंदर इससे कुफर और काफर ज़्यादा लफ्ज़ बनाए गए हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो यही हो जाता है। बाइबल में 4 डिफरेंट औरतें हैं जिनका नाम मरियम है, और बाइबल के रीडर्स
कभी गलती नहीं करते, उनको कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि ये कौन सी मरियम है, उनको सब पता होता कि ये मरियम मगदलीनी की बात है, ये मरियम हज़रत ईसा की वालदा का नाम है, ये दूसरी मरियम है, सब पता होता है। लेकिन कुरान मजीद में जो जिस मरियम का, वो हज़रत हारून की बहन उक्त हारून, उसको हज़रत ईसा की वालदा कहा गया सूरह नंबर 19 उसकी 28 आयत में। तो हमें यह सुनने में मिलता है कि उस वक्त भाई के नाम से लिया जाता था, बाप के नाम से तो बात समझ आती है, भाई के नाम से मुझे समझ नहीं आती। फिर सिर्फ भाई के नाम की बात नहीं है, सूरह नंबर 66 की 12वीं आयत में लिखा है कि मरियम बिनत इमरान उसके बाप का नाम ही है, और बाप भी वही है जो हज़रत मूसा का बाप है, और सूरत का नाम आल इमरान यानी हज़रत इमरान का ख़ानदान है, ये तो वही ख़ानदान है। इमरान की बीवी का भी जिक्र है मरियम की वालदा का, सूरह आल इमरान 35 और 36 आयत में। हज़रत यूसुफ़ का जो किस्सा है, बाइबल में एक बात लिखी है कि जब फोतिफार की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ को फांसने की कोशिश किया तो वो उसके जाल में नहीं फंसा, तो उस औरत ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझे छेड़ा, इसने दस्तराजी की, और उसके इल्ज़ाम को मान लिया गया। और जब उसके इल्ज़ाम को मान लिया गया तो यूसुफ़ को कैद में डाल दिया गया, बहुत क्लियर। अब यही स्टोरी कुरान मजीद में है, तो जब हज़रत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया गया तो उस औरत ने जब इल्ज़ाम लगाया तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं चेक करूँगा, आपको पता है कमीज़ वाली कि अगर आगे से फटी है या पीछे से फटी है तो इससे मुझे पता चल जाएगा। उसने जो टेस्ट किया, उसको टेस्ट से पता चला, तो उसने जो फतवा दिया या अपना डिसीजन दिया, उसने कहा कि ये शख्स बेगुनाह है और ये औरतें तो ऐसी ऐसी होती, मतलब उसने उसको गुनाहगार करार दिया कि तुम्हारा कसूर है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि अगली आयत के अंदर या उसके बाद में यूसुफ को कैद में क्यों डाला गया। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। मेरा ये एतराज़ नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, मेरी आप समझें कि ये मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे समझाया जाए, अगर मेरी बात समझ में आ जाए। मैं एक बात और वाज़े कर दूँ कि जिन किताबों को हम मानते हैं इनके मुसन्निफ़ीन के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, आपको पता कि वो सारे के सारे यहूदी थे, कोई रिश्तेदारी, कोई वाकफियत नहीं, एक मफरूज़े पर इनको इल्हामी मानते हैं, खुदाई मानते हैं, कि जब इनका मुतालिया किया गया तो हमने नोट किया कि ये किताबें वी आर फुल्ली कन्विंस्ड कि इस कायनात के खालक और मालक ने लिखवाई हैं। और जिन किताबों को नहीं मानते उनके मुसन्निफ़ीन के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, और उनको इसलिए इनकार नहीं किया जी ये हमारी चूँकि तासब है इस वजह से हमने इनकार कर दिया, नो, इसलिए नहीं मानते कि उनको भी पढ़ा। और वो किताबें सिर्फ इस्लामी किताबें नहीं हैं, बीसियों और किताबें हैं जिनको हमने नहीं माना, इसलिए नहीं माना कि जब उनको पढ़ा तो हम कन्विंस नहीं हुए, तो इसलिए नहीं मानते। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर हम 66 किताबों को मानते हैं तो आप मुझे बताएँ कि एक किताब और को हम मान लेंगे तो, अच्छा तो क्या ये बड़ा मुश्किल है, हम मान सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट कन्विंस्ड। एक और बात लॉजिक मुझे आप ये बताएं कि क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं या इतने बागी हैं कि रोज़े क़यामत खुदा के सामने खड़े हो के कह सके कि खुदाया तेरी 66 किताबों को तो मान लिया, ये जो 67वीं आई है इसको हम नहीं मानते। आप मुझे बताएं, आप मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ? नेवर। बात यह है कि हम कन्विंस नहीं हैं, हमें कन्विंस करें, इसलिए मुनाजरा करने का भी ये यही मकसद है। और फिर ये हज़रत इब्राहिम को और आले इब्राहिम को औलाद नरीना का खतना करने के लिए कहा गया। अब मुझे ये पता नहीं है कि अबू दाऊद जिल नंबर 3 हदीस नंबर 1831 के अंदर औरत का खतना भी करने का हुक्म दे दिया गया, ये हमारी समझ से बाहर है कि ये कैसे आ गया। फिर सूरह मरियम उसकी 68 से लेकर 72 आयत के अंदर लिखा है कि
तुम में से हर एक को दोजख में वारद होना पड़ेगा, अपनी सज़ा पूरी करेंगे और फिर वहाँ से परहेज़ और मुत्तकी लोग तो निकाले जाएंगे, लेकिन बाकी जो गुनाहगार है पड़े रहेंगे। अगर गुनाहगार उधर पड़े रहेंगे तो इसका मतलब है जाएंगे सारे। और फिर आगे ये भी आगे लिखा है कि ये अल्लाह ताला का हतमी फैसला है। और फिर हूरें, शराब, गुलमान, ये वाली बात सबका किताबों में क्यों नहीं आई, किसी में अचानक से क्यों आ गई है, ये भी हमें कन्विंस करें। सूरह अल-हजर में ये बात लिखी है कि हम ही ने ज़िक्र को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन फिर हमें इबन माजा के अंदर और इवन अलूमुल कुरान बाई मौलाना तकी उस्मानी के कुछ आयतें बकरी भी खा गई थी, उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उसने इनको डिफेंड करने की कोशिश की है। तो या तो फिर इसको भी बताया जाए कि क्यों इसकी हिफाजत पर नहीं की, अगर कायनात के खालक और मालिक ने लिखवाया था। और फिर ये भी बताऊं कि मैं जितनी भी ये वाक़यात बता रहा हूं, चूँकि मैं हवाले दे रहा हूं, इसलिए द्रोग पर गर्दने रावी, मैं सिर्फ इनको कोट कर रहा हूं। हाँ, खुदा ने एक स्पेशल नेशन बताई थी रूमियो 9 बाब उसकी 4वीं और 5वीं आयत में। जी, वो सब इसराइली हैं, लपालक होने का हक जलाल उहूद और शरीयत इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुज़ुर्ग भी उन्हीं के हैं। तो ये बाइबल के मुताबिक इल्हाम उसी एक नस्ल के स्पेशल लोगों में, वो एक लाइन है जो मत्ती की इंजील में, वो लाइन भी बताई गई है, उन्हीं में से है। और फिर नज़रिया ख़त्म नबूवत, ये खालस्तन क्रिश्चियन नज़रिया, इब्रानियों 1:1, अगले ज़बाना में हिस्सा बहिस्सा तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम किया गया, और अखीर ज़बाने में खुदा ने बनफ़से नफीस कलाम किया। लूका 16:16 में कि शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ड्यूअल ऑथरशिप का मैंने बता दिया। हाँ, तजस्सम के ज़रिए कि खुदा ने ख़ुद तजस्सम इख्तियार किया, ज़मीन पर आ गया और बराह रास्त खुदा ने कलाम किया है। हमारे मुसलमान दोस्त तजस्सम के नज़रिए की मुखालफत करते हैं, लेकिन मैं एक दो हवाले पेश करना चाहता हूँ कि अबलीस के तजस्सम को मानते हैं। हाँ, तजस्सम को मानते हैं, लेकिन तजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहेंगे इंसानी शक्ल में आ गया। ये हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़िया कि वो बैतुल माल के इंचार्ज थे, तो आप जानते हैं आयतुल कुर्सी वाला मामला जो है, तो उस वक्त जो चोर आया था वो अबलीस था, इंसानी शक्ल में आया था। बाहवाला बुखारी बुक नंबर 54 हदीस नंबर 495। जब्राइल के तजस्सम को भी मानते हैं, अच्छा फिर मानते हैं, लेकिन तजस्सम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रिश्चियन थियोलॉजी से मैच करता। वो ये तो 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि जब्राइल इंसानी शक्ल में आ गया, दहिया कल्बी की शक्ल में आया, और हजूर ने फिर सहाबा को बताया कि आपको पता ये कौन था, ये जब्राइल था। बाहवाला सुनन अल-नसाई हदीस नंबर 4991 जिल नंबर 6। और इवन अल्लाह ताला के बारे में भी मशकात शरीफ की एक हदीस है कि अल्लाह ताला अपनी टांग दोजख में डालेगा, ये मेटाफोरिकल सेंस में हो नहीं सकता। चले, बहुत शुक्रिया। ये थे पास्टर शफी कवल साहब। अब मैं दावत दूंगा अब्दुल रहमान साहब को कि वह आए अपना मुकदमा पेश करें, उनके पास 35 मिनट हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अशफीक कमल साहब को फॉर्मली वेलकम करता हूँ, वो फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी उनकी। अहले इल्म की बातों से आप लोग मुस्तफीद हुए, क्योंकि उनका ये पहला इस तरह का दौरा है फैसलाबाद का। तो आज जो हमारा मौजू ज़ेर बहस है, जो उन्होंने बताया कि नबी का मायार अज़रुए इस्लाम व अज़रुए मसीहियत,
नबी की पहचान किसी भी मज़हब का बुनियादी सवाल है। सच्चे नबी को ना माना तो काफ़र, झूठे को मान लिया तो काफ़र, ये सबसे बुनियादी सवाल किसी भी मज़हब और दीन का वो नबी की पहचान है। तो मैं आज की नशिस्त में ये पहला जो मेरा मुकदमे का टाइम है इसमें मैं इस तरतीब से बात करूँगा कि सच्चे नबी की निशानियाँ या नबी का मायार आदरुल इस्लाम पेश करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि हमारे नज़दीक उन निशानियों के सबूत का तरीका क्या होगा। एक जनरल बयान दे देना कि फलां फलां निशानियाँ हैं ये काफ़ी नहीं है, उसमें बताना पड़ेगा कि सबूत क्या कैसे दिया जाएगा। तो हम सबूत जो है उसका सनद मुत्तसिल और तवातर से देंगे कि ये जो निशानियाँ जो हैं ये इस सबूत की बुनियाद पर फलां शख्सियत में पाई जाती। फिर तरतीब से जैसे उन्होंने बताया, तो मैं सबसे पहले इस्लाम का मायार नबूवत आपके खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली निशानी, सबसे पहला मयार किसी भी शख्सियत को जांचने का कि वो खुदा की तरफ से है कि नहीं, उसकी तालीम पाक होती है। उसकी तालीम में हर अच्छे काम का हुक्म दिया जाता है, हर बुरे काम से मना किया जाता है और शैतान को खुश करने वाली कोई बात नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह तौबा में, सूरह फतह में, सूरह सफ में, यानी 9 नंबर सूरत, 48 नंबर सूरत, 61 नंबर सूरत, वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उस दीन को सब दीनों पर गालिब कर दे, यानी दीन हक और हदायत, पाक तालीम। सबसे पहली निशानी ये है कि जो अल्लाह की तरफ से होता है उसकी तालीम पाक होती है। दूसरी निशानी उसके मौजज़ात होते हैं। मौजज़ात दो किस्म के होते हैं, हिस्सी और मानवी। तो मानवी मौजज़ात में कुरान मजीद है, सीरत रसूल है, पकीज़ा किरदार है, उनका अखलाक, सकावत, जोहद, हिलम, रहन सहन, लोगों से बर्ताव है। और हिस्सी मौजज़ात में चंद निशानियां मैं पेश करने लगा हूँ। सबसे पहला जो कुरान मजीद से भी हदीस शरीफ से भी साबित है, चांद दो टुकड़े करना। सूरह कमर पहली आयत में चांद के दो टुकड़े करने का जिक्र, और बुखारी किताब अल-मनाकब बाब नंबर 61, बाब है सवाल अल मुशरिकीन, हदीस नंबर है 3636 ता 3638 कि ये मौजज़ा कुफार की फरमाइश पर दिखाया गया था। उन्होंने कहा था मिना में, 9 सरदार थे मक्के के, उन्होंने कहा था कि आपका जादू नाउज़ बिल्ला ज़मीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता, अगर आप चांद को दो टुकड़े कर दें तो हम मान लेंगे। आपने कर दिया, 9 के 9 में से एक भी नहीं माना, जैसे सैयदना सारे अलैहिस्सलाम के खिलाफ 9 सरदार थे तो यहाँ पर भी 9 सरदार थे और 9 के 9 फिर कत्ल हुए हैं बदर में। तो ये सबसे पहला मौजज़ा चांद दो टुकड़े करना। दूसरा मुस्लिम 74/1203 नंबर है हदीस का, दस्ते मुबारक से लकड़ी के प्याले में पानी जारी होना ये 400 अफराद के लिए काफ़ी हो गया। ये गजवा ज़ातुर रिका के दौरान वादी अफीह का वाक़ है। उसके बाद एक घड़े में दस्ते मुबारक रखा, उंगलियों से पानी फूट पड़ा और 1500 का लश्कर सैराब हो गया। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि अगर 1,00,000 भी होते तो पानी काफ़ी हो जाता। ये मौजज़ात बहुत दफ़ा हुए। बुखारी की हदीस नंबर 200, 344, 3571, 3572, 3579, मुस्लिम की है 5941, 5943, 5944 और तिर्मिज़ी की है 3631 और नसाई की है 76 नंबर। ये पानी के मौजज़ात की मैं बात कर रहा हूँ। बुखारी की हदीस है 6452, एक प्याला दूध सारे असाबे सुफा के लिए काफ़ी हो गया, वो प्याला ख़त्म ना कर सके और फिर आखिर में रसालत माब ने ख़त्म किया। बुखारी 3578, एक रोटी सारे असाबे सुफा के लिए काफ़ी हो गई।
बुखारी 2127, 2396, 4053, थोड़ी सी खजूरों से, हज़रत जाबर पर कर्ज़ा था बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी खजूरों से सारे कर्ज़खाओं का कर्ज़ा अदा कर दिया और खजूरें फिर भी बची रहीं। खजूर के खुश्क तने से इंसानी आवाज़ का हुजूर के आवाज़ में, खजूर का खुश्क तना नाना जिसको कहते हैं, हुजूर के जुदाई में फ़िराक में इंसानी बच्चे की तरह रोया और फिर आपने उसको थपका, नीचे उतरे मेंबर से उसको थपका, वो आहिस्ता आहिस्ता रोता रोता चुप हुआ। बुखारी 918, 2095, 3584 ये और 3585, ये मुर्दा जिंदा करने से भी बढ़कर बात है। मुर्दा में तो कभी ज़िंदगी थी, खुश्क तन में कहाँ थी, क्योंकि मुर्दा इंसान इंसानी ज़िंदगी से वाकिफ था पहले, तो ये खुश्क तने का इंसानी ज़िंदगी की तरह रोना। फिर आपकी दुआ से सुस्त ऊँटों का चुस्त हो जाना और जानवरों के दूध की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाना। बुखारी 2097, 2867, 2969, मुस्लिम 1089 और इब्ने हिबान की 7143। हज़रत अब्दुलरहमान बिन उतैक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टांग टूट गई थी, आपने हाथ फेरा तो तंदुरुस्त हो गई गोया के कुछ हुआ ही ना था। बुखारी 4039। मानवी मौजदात का मैं कर चुका हूँ बयान पहले। तीसरी निशानी अटल पेशगोइयाँ, ज़मीन आसमान टल सकते हैं, नबी की बात नहीं टल सकती। आपने कुरान मजीद के ज़रिए जो पेशगोइयाँ की बयान की वो भी मैं बताऊँगा, दूसरी भी। सूरह इब्राहिम 14 नंबर सूरत है, 24 और 25 नंबर आयत है, कुरान मजीद ने फरमाया गया कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब OIC में 57 ममालिक हैं और मुसलमानों की आबादी तकरीबन 200 करोड़ है आपके सामने। सूरह रूम 30 नंबर सूरत की 1-6 आयत में फरमाया कि रोमियों को 9 साल के अंदर अंदर फतह होगी। बिज़ा सनीन 2-9 को कहते हैं। तो अल्लाह पाक ने करम किया कि जिस दिन बदर में फतह हुई है उसी दिन मसीही हजरात को ईरान में फतह हुई है। अब बहुत नाजुक पेशगोई जिसका कुरान में जिक्र है, सूरह लहब 111 नंबर सूरत है, 1-5, अबू लहब और उसकी बीवी के ईमान ना लाने के बारे में पेशगोई फरमाई जो 10 साल तक बरकरार रही और 10,000 की आबादी थी कुल मक्का की, पूरा मक्का जानता था इस्लाम। 10 साल तक एक कच्चे धागे से लटका रहा, दोनों मियां बीवी से कोई ईमान नहीं लाया, अगर वो ईमान ले आते तो इस्लाम झूठा हो जाता। 10 साल तक पेशगोई वो बरकरार रही और जब नबी ने कह दिया तो फिर कह दिया। उसके बाद सूरह फतह, उसमें मक्का फतह होने की पेशगोई फरमाई 48 नंबर सूरत की 1-4 नंबर आयत, 18-21 नंबर आयत, 27-28 नंबर आयत और आयत नंबर 28 की तस्दीक यूं हुई कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, हत्ता के यहूदियत और ईसाइत को उसकी जन्मभूमि फ़लस्तीन में भी फतह कर लिया। सूरह नसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, मक्की सूरत है, जो इंतहाई ज़ुल्म व सितम के दौर में नाजिल हुई, उसमें फरमाया गया कि तू देखेगा कि लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यह सूरत नंबर 110 1-3 आयत है। सब दुनिया ने मक्का फतह अपनी आँखों से देखा। सूरह नमल 27 नंबर सूरत है, मक्की सूरत है, उसमें खबर दी गई कि अल्लाह तुमको हुकूमतें देगा और अल्लाह ने हुकूमतें दी। 62 नंबर आया था 27 नंबर सूरत की। सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है, जिसमें कुफर की शिकस्त की खबर दी गई है, 17 नंबर सूरत की 81 नंबर आयत है। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उम्मत मुहम्मदिया की तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होगी और कमाल पर पहुँचेगी, सूरह फतह 48 नंबर सूरत की 29 नंबर आयत। खिलाफत राशदा की खबर सूरह नूर 24 नंबर सूरत की 55 नंबर आयत में दी गई। अल्लाह पाक ने करम किया और दुनिया ने देखा कि खिलाफत राशदा कायम हुई। हिजरत के मौके पर आपके दिल में आई कि मेरा वतन मुझसे छूट रहा है, तो अल्लाह ने फरमाया तेरा रब तुझे वापस ले आएगा। 13 साल बाद ले आया। हिजरत के मौके पर मक्का वापस लौटने की खबर का जिक्र सूरह कसस 28 नंबर सूरत की 85 नंबर आयत में है। ये मैं कुरान से हवाले पढ़ रहा हूँ। जंगे बदर से पहले फरमाया कि दो में से एक ग्रोह पर फतह होगी, सूरह अनफाल 8 नंबर सूरत की 7 नंबर आयत, और अल्लाह के करम से फतह हुई।
गज़वा खंदक के मौके पर खबर दी गई कि दुश्मन पीठ फेर कर भाग जाएगा। सूरह फतह 48 नंबर सूरत, 44 और 45 नंबर आयत। अब देखें दुनिया में अजीब वाक़या कि दो अफराद मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सैयदना रसूल करीम अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर। उस वक्त सुराका बिन मालिक गिरफ़्तार करने के लिए आ गए तो उनको क्या फरमाया आपने कि सुराका उस वक्त तेरी क्या शान होगी जब किसरा ईरान के कंगन तेरे हाथों में होगा। ये ऐसे ही है जैसे वो आजकल कहे कि जनाब जो बाइडन का जो मोबाइल है वो तेरे हाथ में होगा। सुपर पावर का चीफ था वो किसरा, तो आपने उस वक्त क्या फरमाया कि सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। ईरान फतह हुआ हजरत उमर के दौर में और उन्होंने सुराका को बुलाया, कंगन पहनाने लगे। उन्होंने कहा जी सोना मर्दों के लिए मना है। उनका भाई सिर्फ पेश गोई पूरी करनी है, उसके बाद उतार देना। उसके बाद अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला ने उनसे आपने फरमाया कि मुल्क अरब से डाकू ख़त्म हो जाएंगे। कब? जब इंतहाई बुरे हालात थे। और इसके अलावा तुम किसरा बिन हुरमज के ख़जानों को खोलोगे। बुखारी 3595 और 1413 हदीस नंबर। अल्लाह के फजल से ऐसे ही हुआ। उम्मे हराम को बहरी जहाज में शरीक होने की खबर दी। बुखारी 2788 और वो शरीक हुई, बहरी जहाज हुआ। जंगे खंदक से पहले खंदक खोदते हुए खबर दी कि ईरान शाम यमन फतह होंगे। तो सर ने जो फरमाया है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सदियों बाद भी नबी की पेशगोई पूरी होती है और वो हुई। ईरान भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, यमन भी फतह हुआ, ये रोम भी फतह हुआ। कुछ जल्दी होगा, कुछ नबी की पेशगोई जब होगे तो जल्द या बदेर जैसे अल्लाह चाहे जैसे उसने मुकर्रर किया होता टाइम वो पूरे हो। ये नसाई की 3176 और अबू दाऊद की 4302 नंबर हदीस थी। कुस्तुनतीनिया की फतह की खबर दी। कई सदियाँ लोगों को मौका दिया गया कि जो जो रास दिल की निकालनी है वो निकाल लें, लेकिन फिर रब ने फतह दी। और कुस्तुनतीनिया की फतह का जिक्र है मुस्लिम 7278, अबू दाऊद 4294, 4295 और मुस्लिम नामा दूसरी जिल्द 535-576 सफ़ा। हिंदुस्तान पर भी हमलों की खबर दी। निसाई 3175 आपके सामने है। आग लगने की खबर दी जो मदीना के करीब हो गई मगर बसरा के ऊँटों की गर्दने उसमें नजर आएंगी। बुखारी 7118, मुस्लिम 2902 और वह नज़र आई। अब भी जो मक्का से मदीना को मोटरवे पर सफ़र करेगा जिसको तरीकुल हिजरा कहते हैं, तो उसके बाएं तरफ आधा सफ़र करने के बाद बाएं तरफ मदीना तक वो जले हुए पत्थर मैंने अपनी आँखों से देखे 3 दफ़ा, तो अब भी वहीं पर पड़े हुए हैं। तातारियों के हमले की पेशगोई अबू दाऊद 4302। काबा की चाबी शैबा बिन उस्मान और उस्मान बिन तला दोनों को अता करके फरमाया कि क़यामत तक तुम्हारे पास रहेगी। इसमें दो बातें हो गई, एक तो आपने उनके पास चाबी रहने की खबर दी, दूसरा उनकी नस्ल की काबा की खबर दे दी। अब भी जाके सऊदी अरब से पता कर लें उन्हीं के पास है। इस खबर में ख़ानदान अबू तला का दुनिया में लगातार रहना बताया गया और कलीद बैतुल्ला का भी उन्हीं के पास रहना बताया गया। तो ये तीसरी निशानी थी सच्चे नबी की कि उसकी पेशगोई अटल होती है, जो कह दिया सब कह दिया। चौथी निशानी कि उसकी तालीम इंसानों की ज़िंदगी बदल देती हो। तासीर, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। उसकी शख्सियत की तालीम पर, उस शख्सियत की तालीम पर अमल करने वाले बुरे काम छोड़कर नेक काम करने वाले बन जाएँ। तो साहबा कराम हज़ारों साल की आदतें, हर गुनाह को फ़ख्रिया अलानिया मजलिसों में बयान करने वाले अपने वक्त के सबसे बड़े वली अल्लाह बन गए। जिस डॉक्टर का नुस्खा बरत कर लाखों हज़ारों करोड़ों अरबों लोग शफायाब हो चुके हों उसकी काबिलियत में कोई शक नहीं होता। और उनकी जो निशानी बताई गई है, उनकी पहचान जो बताई गई है सूरह फतह में, तराहम रुकान सुजाता, कि वो लोग जो डाकू और डाका मारने को बुरे काम करने को फ़ख्र समझते थे, वो क्या उनको देखेगा तू रुकू करते हुए सजदे करते हुए। पाँचवीं निशानी सच्चे नबी की ये है कि वो तबलीग वही में किसी से नहीं डरते। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, सूरह मायदा 5 नंबर सूरत की 67 नंबर आयत।
अल्लाह के सच्चे नबी तबलीग वही में कभी नहीं डरते। वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं देते कि आइंदा मैं पेशगोई से बाज रहूँगा। पाक किरदार, छठी निशानी पाक किरदार। सच्चे नबी का किरदार पाक, बेदाग, कौलोफेल एक, दयानंददार, अमीन और सखी होता है। इसीलिए कोई दुनिया का आदमी ये चैलेंज नहीं दे सकता सवाए नबी के, फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, अपने जानी दुश्मनों के दरमियान खड़े होकर जिन्होंने उनके साथ जंगें की, उनसे कहा कि मैंने तुम में एक उम्र गुजारी है, मुझ में को ऐब है तो बताओ। सूरह यूनुस 10 नंबर सूरत की 16 नंबर आयत। सातवीं निशानी, बेगरज बेलौस होता है। सच्चा नबी अपनी तालीम के बदले में कोई मुआवजा नहीं चाहता। कुरान मजीद में 14 मुकामात पर फरमाया गया है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो सिर्फ मेरे रब के जिम्मे। आठवीं निशानी सच्चे नबी की यह होती है कि दावा नबूवत में तदरीज नहीं होती। वो पहले दिन अपना मनसब का ऐलान करता है और तमाम ज़िंदगी उस पर कायम रहता है। और सूरह आराफ 7 नंबर सूरत 157 नंबर आयत, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, पहले दिन ही कहता और आखिर तक कायम रहता है। क्या मुकर्नियों, नबी की शान नहीं है वो ये नहीं कहता कि मेरी किताबों में जहाँ जहाँ लफ्ज़ नबी लिखा हुआ है उसको काटा हुआ ख्याल फरमा लें, ऐसे नहीं कहते सच्चे नबी। 9 नंबर निशानी, सच्चे नबी हुकूमत, ताकतवर निज़ाम और ताकतवर लोगों की मुखालफत करते हैं। वो ना तो खुशामदी होते हैं और ना ही हुकूमत का खुद काश्ता पौधा होते हैं। और वो अलानिया कहते हैं लाबदू माताबदू। 10 नंबर मुतफर्रक और साफ होते हैं हर नबी के अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन सब पर बेहद वसाब रहमत नाजिल फरमाए। उनकी अक़ल कामल होती है, हाफजा ठीक होता है, पाक दामन होते हैं, सदाकत व अमानत होती है, परहेजगारी होती है, हसब व नसब आला होता है, मर्द होते हैं, अखलाक कामल होते हैं, सूरत खूबसूरत होती है। ये तमाम अम्बिया इकराम के मुश्तरका असाफ थे और इन्हीं को शरायत नबूवत भी कहते हैं। अब आ गई बात कि इन निशानियों का सबूत कैसे दिया जाएगा। सनद मुत्तसिल, कनेक्टेड लिंक और तवातर, तो मैं अपने दोस्तों के लिए मैं उसका तर्जमा कर दूँ कि फॉलोइंग इन सक्सेशन बाय नंबरलेस पर्संस, इसको कहते हैं तवातर, कि लगातार एक ही बात बेशुमार लोग करते चले आएँ उसको तवातर कहते हैं, कि लिंक भी कनेक्टेड हो नबी तक जो बात हो रही। अब जनाब उसका मैं सबूत देने लगा हूँ कि मैंने हवाला दिया है कुरान और हदीस का, अब ज़रा उसके लिंक की कनेक्शन को देख लें कि क्या वो लिंक कनेक्टेड है, कुरान मजीद और अहादीस कैसे जमा हुई, कैसे उनकी हिफाजत हुई। उसके हैं तरीके 15, अब सुनते जाएं। नंबर 1, हजूर से समा। सबसे पहला ज़रिया ट्रांसमिशन का, कुरान का भी हदीस का भी, हजूर से सुनना, डायरेक्टली सुनना। दूसरा, हिफ्ज करना। करोड़ों हाफज कुरान मजीद के हर साल पैदा हो रहे हैं और 1500 साल से हो रहे हैं, और सहाबा कराम पर लाजम था, सब पर मजबूरी थी उनकी हिफ्ज करना इसको, क्योंकि उसी को तो अगली नमाज में पढ़ना होता था। तो हिफ्ज, ये दूसरा जरिया है हिफाजत कुरान का और ट्रांसमिशन का। तीसरा है तलावत, कि वो नमाजों में पढ़ते थे और वैसे भी पढ़ते थे। चौथा है रवायत, वो घर जा के बताते थे कि ये अल्लाह की तरफ से आज ताज़ा वही आई है, इस रवायत जो वहाँ पर मजलिस में नहीं होते थे उन तक पहुँचाते थे, और 1500 साल में नस्लन बाद नस्लन हम तक इसी तरह पहुँचाया गया। पाँचवा, मज़ाकरा, सहाबा कराम आपस में बैठ कर इसको याद भी किया करते थे, इसको कहते हैं रेपिटिशन। छठा ज़रिया किताबत, जो सहाबा कराम लिखना जानते थे वो साथ साथ लिख रहे थे। सातवां, तदवीन, कि जहाँ जहाँ जिस जिसको हदीसें मिली ये स्टेप बाय स्टेप उनने बग़ैर तरतीब के विदाउट चैप्टराइजेशन उनको लिख लिया। तसनीफ, फिर उनको चैप्टराइजेशन करके लिख लिया। 9 नंबर ज़रिया हिफाजत, अमले उम्मत, 1500 साल से मुसलमान दुनिया में बाकायदा मौजूद रहे हैं, कभी ये ख़त्म नहीं हुए, और रोज़ाना के अमाल में, पूरे ज़िंदगी के अमाल में इनको वो सारी बातें अमल में लाना पड़ती हैं जो कुरान और हदीस में बयान हुई हैं।
अमले अफराद के ज़रिए ये सारे महफूज रहे। अब किसी ने उस्ताद से सुना, उसको हिफ्ज कर लिया, उसको रिपीट किया, उसको रवायत किया, उसके बाद उसको अमल में ले आया, क्या वो भूल जाएगा? उसको नहीं भूलेगा। फिर दसवां ज़रिया है हिफाजत कुरान और हदीस का, अमले हुकूमत। हुकूमतें जो हैं उनके बहुत सारे शोबे होते हैं, हर शोबे के लिए हजूर ने हदायत दी, कुरान मजीद ने हदायत दी, उन सब को जब अमल में लाए तो वो महफूज भी हो गए। उसके साथ ही बाई प्रोडक्ट उसकी हिफाजत है। और 1500 साल में मुसलमानों की हुकूमत दुनिया से कभी ख़त्म नहीं हुई, इधर डूबे उधर निकले, हुकूमत बाकी रही है। 11वां ज़रिया हिफाजत है सिलसिला रिजाल, जिसके बारे में दुनिया पूरी जानती है कि मुसलमानों ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है ये अल्लाह का फ़ज़ल है और हजूर का मौजज़ा है, वरना किसी कौम ने इस तरह से अपने इल्म की हिफाजत नहीं की। तो रावियों के सिलसिले को ये भी एक हफाजत कुरान हदीस का ज़रिया है। 12 नंबर ज़रिया हिफाजत कुरान हदीस है झूठी रवायत पर वईद। हजूर ने फरमाया कि जिसने मेरा, ये मुतवातर हदीसों में से है, जिसने मेरा नाम लेकर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। 14वां ज़रिया, जो सुनो आगे पहुँचाओ, ये हुक्म था हजूर का, बलाओ आया बल्ले वन्नी बलाओ आया कि मेरी तरफ से आगे पहुँचाओ चाहे एक आयत ही हो, तो इस हुक्म को भी उम्मत मुसलमान ने तस्लीम किया। और आगे 15वां ज़रिया, रमज़ान मुबारक में पूरे कुरान को हर साल रिपीट करना और याद करना, सामने आपके, उसमें कोई कभी इनकता ही नहीं आया। और 15वां इसका ज़रिया, ये 14वां था, 15वां है पुराने मखतूते। इसको मैंने जानबूझकर आखिर में रखा है, पुराने मखतूते ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्टर नाबिया एबट, उसकी किताब छप गई है कराची में 2 जल्दों में, उसने शिकागो इंस्टीट्यूट में 48 ईयर्स तक खुद तहकीक की, और उससे पहले अपने उस्ताद के साथ मिलकर तहकीक की, और उसकी PhD भी इस्लामी मखतूतों पर है। तो उसने साबित किया, शाख्त का भी जवाब दिया, गोल्ड जहर का भी जवाब दिया, ये जितने भी साहब थे जिन्होंने कुरान पर एतराज़ किए, हदीसों पर एतराज़ किया कि ये 200-250 बार साल बाद इन्होंने खुद ही गाड़ ली बनू मैया के दौर में, फ़लाँ दौर में, फ़लाँ दौर में, तो डॉक्टर नाबिया ने कहा मैंने मखतूते पढ़े हैं 48 साल, ये मुसलमानों का काम है, दौरे नबूवत से ही जारी है। कौन कह रही है? डॉक्टर नाबिया एबट, वो मुस्लिम नहीं है, फौत हो चुकी है। तो दूसरा, कुरान मजीद के जो स्क्रिप्ट है लंदन म्यूज़ियम में उनकी पढ़ा है, उसका कार्बन टेस्ट करवाया तो उनको पता चला कि जनाब 30 हिजरी से पहले पहले के ये वर्के हैं। वो तो एक अजाफी सबूत है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान ग्रुपों के पास एक ही इबारत है, हत्ता के मरदाई हजरात के पास भी वही इबारत है। तो ये 15 तरीके थे जिनसे कुरान और हदीस मुंतकिल हुए, महफूज हुए, लिहाजा सनद मुत्तसिल भी है, मुतवातर भी है, नंबरलेस पर्सन एक ही इबारत आगे दोहराते चले आ रहे हैं। तो उसके बाद जितने भी निशानियां बाइबल के मुताबिक बयान की गईं, मसलन किताब इस्तिसना के बाइबल के अपना बाब 18 में, कि जो नबी खुदा का नाम लेकर कोई बात कहे और वो पूरी ना हो तो वो नबी सच्चा नबी नहीं है। मैंने साबित किया कि जितनी पेशगोइयाँ कें अटल साबित हुई, चाहे सदियों बाद पूरी हुई, जैसे जैसे अल्लाह ने टाइम कर किया था उसके मुताबिक वो पूरी हुई, तो बाइबल के इस मेयार पर हजूर मुकम्मल पूरे उतरते हैं। दूसरी बात, वो नबी बनी इसराइल के माबूद के अलावा किसी और की तरफ बुलाने वाला ना हो, इस्तिसना 18-20। जो पहला मैंने कहा कि नबी खुदा का नाम लेकर को बात कहे वो पूरी ना हो तो सच्चा ने, इस्तिसना 18-22 और यर्मिया 18-28-9। इन दोनों सूरतों में बनी इसराइल को हुक्म दिया झूठा नबी कतल किया जाए, 18-20 इस्तिसना का। तो भाई वो नबी बनी इसराइल के माबूद की तरफ ही बुलाने वाला है। वो किसकी तरफ बुलाता है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह कौन है? बनी इसराइल का माबूद है। कैसे? मेरे पास पड़ी है ये इंजील शरीफ 1890 का तर्जमा, यूनानी फारसी और उर्दू।
उसमें उन्होंने लिखा है अल्लाह, उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पाक भी ईसा ही लिखा है। उसके अलावा अरबी बाइबल जो बैरूत से शाया हुआ है थ्रू आउट, उसमें लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों नाम कुरान ने वही इस्तेमाल फरमाए जो मुतदावल थे, जो इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा नबी का दावा नबूवत होना भी लाजमी है कि वो दावा तो करे कि मैं नबी हूँ, तो रसूलल्लाह का दावा या यूहन्ना सिन्नी रसूलल्लाह अलैकुम जमिया। अच्छा, अब जनाब जो बाइबल का इन्होंने मियार मुकर्रर किया तो उसके मुताबिक भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम सबसे बढ़कर पूरे उतरते हैं। तो अब इसके अलावा जो इनकी बातें हैं वो जब वो दूसरा सेशन होगा तो उसमें हम एक दूसरे के बारे में जो मुकदमा होगा उसके बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो अभी जो मैं सच्चे नबी की निशानियां मैंने बयान की हैं उसके मुताबिक मैं अपनी बात को यहां पर ख़त्म करता हूं ताकि अगला सेशन शुरू हो। बहुत शुक्रिया। आपके पास 8.5 मिनट बाकी सर, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया सर, मेरा बताना तो सर था। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुलरहमान साहब। मनाजरे का पहला मरहला खिताम पज़ीर हुआ। अब बढ़ते हैं मनाजरे के दूसरे मरहले की तरफ, रिबटल सेशन। सबसे पहले पादी शफी कंवर साहब आएंगे, अपना रिबटल पेश करेंगे। इनके पास है 25 मिनट, ये अपना जवाब दावा रिबटल पेश करेंगे। शुक्रिया जनाब अब्दुलरहमान साहब, शुक्रिया। आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी थी। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए मैं उन पर अपना रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा। आपने कहा कि सच्चे नबी के सबूत के तौर पर आपने जो सबसे पहली बात हमारे सामने रखी है वो है कि वो दीन हक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि दीन हक को गुज़श्ता से पेवस्ता होना चाहिए। अचानक से आपने कह दिया कि जी ये हमारा दीन है तो ये दीन हक है, तो इस तरह तो और भी बहुत सारे लोग दावेदार थे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 7 या 6 थे जिन्होंने नबूवत का दावा कर रखा था, नहीं 4 से तो ज़्यादा ही थे। खैर अच्छा, तो आपको पता है कि मुसलमानों में और उनमें फ़ैसला कैसे हुआ था कि कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा? जंग के ज़रिए। तो अगर जंग के ज़रिए ये फ़ैसला दीन हक का किया जाए कि जो जीत जाए वो दीन हक, तो फिर होगन जो रेसलिंग का चैम्पियन है वो तो फिर नबी हो गया, किसी को जीतने नहीं दिया उसने। तो आर्गुमेंट के साथ, दलाइल के साथ आप ये साबित करें कि हाँ वो दीन हक है, साबित करना पड़ेगा उसको। फिर आपने ज़्यादा जो आपका ज़ोर था आपने इस्तदलाल दिया हदीसों से, तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि हदीस एक ऐसी किताब या ऐसा इलम है जिस पर अब मुसलमानों ने उंगली उठाना शुरू कर दी है। आपको पता है कि अहले कुरान का फ़िरका वजूद में आ चुका है और वो बुरी तरह तनकीद करते हैं हदीस के ऊपर। थोड़ा सा मैंने जो सुना है और ये मुसलमान दोस्तों से सुना, अगेन कहूँगा कि दरोग बर गर्दन रावी, 200 साल के बाद जो बातें लिखी गई उन पर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? आप जो चेन वाली बात कर रहे थे, 14 लाख हदीसें और उनमें से 8,000 गालबन जिनको सिलेक्ट किया गया, वो किस मियार पे किया गया? उस मियार से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सबसे पहली बात कि जी मैंने फ़लाँ से सुना, मैंने फ़लाँ से सुना, 7-7, 14-14 लोग उनकी चेन है जिन्होंने उससे सुना। आप ज़रा कत्ल के मुकदमे में जज के सामने, मुसलमान जज के सामने जाके गवाही दे दें और जज आपसे पूछे कि आपने देखा था कत्ल होते? नहीं मैंने नहीं, मैंने असलम से सुना था, असलम को बुलाओ। आपने देखा था कत्ल होते हुए? नहीं मैंने नजीब से सुना। जज ये गवाही कभी नहीं मानेगा। मुसलमान जज के सामने ये पेश कर दे, अगर वो मान जाए आप सच्चे मैं झूठा, कि ये गवाही दे दे जी मैंने उससे सुना मैंने, और खसूसी तौर पर 7 बंदों का नाम ले जी, ये चेन बड़ी मुंसलिक है, तो आतर है, गवाही मान ली जाए, कभी नहीं मानेगा।
और फिर ना सिर्फ ये है कि लोगों की रावियों की तादाद ज़्यादा है, अरसा भी ज़्यादा, 125 साल के बाद रावी जो हदीस कलेक्ट कर रहे हैं वो अरब के भी नहीं हैं। इस पे तो मुसलमानों ने इसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया, और उस पे आप डिपेंड करते हैं। हाँ, कुरान मजीद से आप पेश करें जो आपकी बेसिक किताब है, वो बात समझ आती है, वो आप कुछ साउंड आर्गुमेंट दें तो समझ में आती है। अच्छा, पेशगोई जो आपने बताई कि जी ये पेशगोई थी कि इस्लाम जल्द दुनिया में फैल जाएगा, हिंदुज़म भी फैल गई, आपने तादाद जो 2 अरब बता दिया, ये थोड़ी ज़्यादा आपने बता दिया, इतनी नहीं है, दोबारा से आप चेक करें, 1.5 अरब के करीब है, तो क्रिश्चियनिटी 3 अरब के करीब है। तो अगर तो इस पे फैसला करना है कि जी कौन मज़हब ज़्यादा कौन सा फैला, तो फिर तो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, उसका अरसा भी ज़्यादा, फिर तो बात इधर ही ख़त्म होगी कि कौन सा सच्चा और कौन सा झूठा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे आप सोल इस बात पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। बुद्धिज़्म भी फैला है, वो भी फैलने वाला मज़हब था, वो भी तबलीगी मज़हब था, हिंदुज़म भी। तो फिर आपने एक पेशगोई का ज़िक्र किया जो बड़ी दिलचस्प है, लिखा है जी पेशगोई ये की कि रोम जल्द फतह हो जाएगा। आपकी बड़ी ज़्यादती है कि आपने सिर्फ इतना पढ़ा, ये आयत ऐसे नहीं है भाई, ये सूरह रोम की 2री और 3री आयत कि रूमी मगलूब हो गए, आपने सिर्फ इतना पढ़ा। आगे लिखा है कि नज़दीक की ज़मीन पर और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब भी आ जाएंगे। ये देखिए, इनको फतह भी कर लिया जाएगा, और फिर ये भी, ये कौन सी पेशगोई है कि ये फतह भी हो जाएगा, हार भी जाएंगे और जीत भी जाएंगे, पेशगोई होती है एक। तो ये हैं बहुत सारी बातें जिनको आप पेश कर सकते थे, लेकिन आपने ये वाली आयत अपने खिलाफ पेश कर दी कि जिसमें शक ही पैदा हो जाए, तो उसको आप अपनी तस्दीक के तौर पर पेश कर रहे हैं। हाँ जी, एक और बात आपने कहा कि फतुहात को आपने नबूवत का सबूत करार दिया कि ये इलाका फतह किया गया, ये इलाका, ये जंग फतह की गई। आपको पता कि मलका बरतानिया के बारे में ये कहा जाता कि उनकी हुकूमत में सूरज ग्रूब नहीं होता था, तो उनसे ज़्यादा फतुहात किसने की, और कितने, तो क्या मलका बरतानिया को नबी मान लिया जाए? नहीं, ये भी कोई सबूत नहीं है। हाँ, आपने एक और बात, अब साइंटिफिक बात जो है ना, ये मेरी समझ में आई कि ये आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा कि अरब के अंदर जले हुए पत्थर इस बात की निशानी है कि वहाँ पर आग लगी थी। तो भाई, पत्थर तो आप सिब्बी के अंदर चले जाएँ, तुर्बत के अंदर चले जाएँ, पत्थर उठा के देखें, जले हुए हैं, धूप इतनी पड़ती है, गर्मी इतनी है कि वो जले हुए हैं। हाँ, जो निशानी दिखाने वाली थी वो थी सूरह फील का कुछ सबूत बताते कि इस इलाके में हाथी आए थे। अगर डायनासोर्स की हड्डियाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की अभी तक मिल गई हैं, हाथियों की कोई एक हड्डी मुझे दिखा देते, खोपड़ी दिखा देते, वो हाथी दांत दिखा देते, ये देखो ये अरब से मिला, इसका मतलब ये वाकया इन्होंने अरब पे, इस पे खाना काबे पे चढ़ाई की थी, तो ये उसका बेहतर सबूत हो सकता था। एक और आपने सबूत के तौर पर बात बताई है कि जो सहाबा कराम थे वो तबलीग इस्लाम की जब तबलीग करते थे वो डरते नहीं थे, तो क्रिश्चियनिटी की जो तबलीग कर रहे थे ये कौन से डरते थे? 4.5 करोड़ मसीही तबलीग करते हुए शहीद हुए, और मसीह के 12 के 12 शागिर्द उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और ये नहत्ते तबलीग करते थे। अगर यही सबूत है तो फिर मैं कहूँगा कि फिर तो हम जीत गए इस बात में। हाँ जी, एक और बात आपने, अगला सबूत आपने दिया कि सच्चा नबी बेलौस काम करता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके सबूत के तौर पे जो आप बात बता रहे थे, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या जो जंगें मुसलमानों ने की उनमें माले गनीमत इनके हाथ नहीं आता था, तो फिर ये बेलौस कैसे हो गया? सनद मुतसल और तवातर, ये भी आपने प्रूफ के तौर पर पेश किया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो सनद वाला तरीका है, पहली बात तो 14 लाख में से बमुश्किल तमाम 8,000 हदीसें, बल्कि बाज़ तो कहते हैं कि 2,500 हदीसें सिलेक्ट की गई, तो वो आपका तवातर
आपका मुतसिल होना, आपकी सनद ख़त्म होगी। और मॉडर्न दुनिया ने अब इस बात को, अगर आप कोई वाकया ऐसे बताते हैं जी मुझे फ़लाँ ने बताया था, उसको फ़लाँ ने बताया था, उसको फ़लाँ ने बताया था, इसको कहते हैं फैलसी ऑफ चाइनीज़ विस्पर। और आप देखें टीवी पे आपको ये वाली कहानी नज़र आएगी कि 16-17 बंदे लाइन में खड़े किए, एक बंदे के को एक बात बताते हैं, कहते हैं अब आप दूसरे को बताओ। जब वो 30 बंदों तक या 10 बंदों तक बात पहुंचती है वो बात फ़र्क हो जाती है। तो ये आपको साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। और किसी जज से ये बात पूछें कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुतसिल सनद के साथ हमें पता चला कि जी फलां बंदे ने कत्ल किया, तो आप इस गवाही को मान ले, कभी नहीं मानेगा। फिर दोबारा मैं कहूँगा कि ये फैसला आप किसी मुसलमान जज से कराएं, नहीं मानेगा आपकी बात। हाँ, आपने हिफ्ज वाली बात बताई कि जी कुरान मजीद के बहुत सारे हाफज थे, मानता हूँ बहुत सारे हाफज थे, ये भी मानता हूँ कि आज भी कुरान मजीद को हिफ्ज किया जा रहा है, लेकिन शायद आप एक वाकया भूल गए हैं कि ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, बाहवाला अलूमुल कुरान बाई मौलाना तकी उस्मानी, और भी किताबों में लिखा हुआ कि रसूल इस्लाम भी बाज़ आयतें भूल जाते थे। ये मैं फिर कहूँगा दरोग बरगर्द ने रावी। तो फिर हाफ़ज़े पे आप कितना के एतमाद कर सकते हैं। तदवीन पे आपने बहुत ज़ोर दिया, तदवीन पे भी बात कर लेते हैं। पहली बात कि अब मुझे ठीक से हवाला शायद याद ना हो कि अल्लाह ताला ख़ुद सूरह रात के अंदर शायद ये लिखा है कि इसमें हम कुछ घटा देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, या कुछ चीज़ों को कायम रखते हैं, कुछ को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ये मफहूम बता रहा हूँ। असल किताब उम्मुल किताब तो मेरे पास है, तो अल्लाह ताला ने तो आपको असल किताब दी नहीं है, फिर इसमें कमी बेशी करके दी है, पहली तो ये बात। दूसरी बात कि हज़रत अबू बकर ने जब तदवीन कराई है तो अगर इतना मुतबर तरीका था और रसूल अकरम डायरेक्ट लिखवा देते थे तो दोबारा से तदवीन करने की, कुरान मजीद को जमा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर हज़रत अबू बकर ने जमा करवाया तो इसका मतलब कुरान पहले किताबी शक्ल में नहीं था। मालूमात पहले ख़ुद अपनी दुरुस्त कर लें, फिर हमें पढ़ाएं, हम पढ़ने के लिए सीखने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आए हैं। फिर आपने बताया नहीं, आप जानबूझ के सिलेक्टिव नॉलेज हम तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दो गवाह पेश करने थे, जिस किसी, पहली बात तो अगर हिफ्ज़ वाला मैं कहूँगा मफरूज़ा, अगर ये ठीक है तो ये कानून मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं थी कि जो भी आयत देगा वो दो गवाह भी पेश करेगा। बाह वाला अल्तकान भाई जलालुद्दीन सैयूती, और डॉक्टर सुबी साले ने भी यही बात की, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि दो गवाह लाते थे। और फिर मज़े की बात कि इस सिलसिले में जो आयतें वाकई कुरान का हिस्सा थी वो रह गई, और जो नहीं थी वो आ गई। मतलब मिसाल दे देता हूँ, आयतुल रिजम हज़रत उमर लेके आए, उनकी आयत को इसलिए नहीं लिखा गया कि उनके पास दूसरा गवाह नहीं था। ये तारीख़ का हिस्सा है ये सारी बातें। आज भी मेरा चैलेंज है कि कोई मुसलमान आयतुल रिजम मुझे कुरान मजीद से दिखा दे, और फिर ये भी बता दे कि सूरह अल हजर की वो वाली बात बिल्कुल सच है कि हम ही ने इस जिक्र को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, आयतुल रिजम कुरान का हिस्सा क्यों नहीं है। अब आप मुझे कहेंगे हदीस के अंदर है, तो हदीस के अंदर है तो हदीस की भी मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी है। हाँ, एक और सहाबी थे मेरे जहन से शायद नाम, क्या अबू खजीमा शायद, सारी अगर मेरा नाम में गलती हो, उनकी आयत को इसलिए ले लिया गया, उनके पास दूसरा गवाह नहीं था, कि हुक्म मौजूद है जी, इनको हजूर ने कहा था कि इनकी गवाही दो आदमियों के बराबर है। तो आपके तो असूलों ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं। मैंने आते ही कहा था कि मुझे आप कन्विंस करें, मैं इतना हठधर्म इंसान नहीं हूँ कि आप मुझे कायल करें और मैं रोज़े क़यामत खुदा के सामने अकड़ जाऊँ कि मैं नहीं मानता। मैं कौन ऐसा होता हूँ, मुझे आप कन्विंस करें, मैं भी मानूंगा, और मेरा ईमान है कि जितने क्रिश्चियन आए हैं वो भी ये बात मान लेंगे कि हाँ ये मकूल बात है, हम क्यों इनकार करेंगे, बाकियों को भी तो मानना है, वो कौन से हमारे रिश्तेदार थे। कन्विंस करें। सिलसिला रजाल का भी आपने जो बात बताई है,
ये सिलसिला रिजाल की मैंने दो तीन किताबें पढ़ी हैं, आप भी पढ़ें दोबारा से। वो भी एक दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते थे, चलें बहुत अच्छे भी लोग होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिलसिला रिजाल जिन लोगों के तवस्सुत से सिलसिलावार हदीसें हम तक पहुँची वो बेहतरीन इंसान थे, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, उनके करैक्टर में कोई खराबी नहीं थी, वो सच्चे इंसान थे। लेकिन असूल और कानून ये बात नहीं मानता कि आप डायरेक्ट बात सुने, ये जो सिलसिलावार इंफॉर्मेशन पहुँचती इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो सच्चे होंगे, उनकी याददाश्त पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। 50 साल गुजर जाएं तो आप ये सोचें कि 10 आदमियों से कहानी पहुंची वो 100% करेक्ट बता दी होगी, 100 साल अगर गुजर जाए तो जिस शख्सियत के बारे में आप अच्छे ख्यालात रखते हैं वो लीजेंड आपकी ज़िंदगी में बन जाती है, और जो लीजेंड बन जाती है उसके बारे में आप फिर ज़मीन आसमान के कलाबे मनाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो बातें बताई वो 100% करेक्ट बताई। आपने एक और सबूत के तौर पर यह बात कही कि हदीस मौजूद है और वो हदीस भी अथेंटिक है कि झूठी हदीस पर वईद है, तो मैंने तो आपको बता दिया कि 14 लाख हदीसें लिखी गई हैं, तो होगी वईद, लेकिन लिखने वालों ने तो आपके ख़ुद मुसलमानों ने ये बात लिखी हुई है अपने किताबों के अंदर कि उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी हदीसों की, तो पुराने मखतूते की बात आप कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि जो हज़रत अबू बकर ने कुरान जमा किया था, लिखवाया था, उसकी किसी के पास कापी है तो मुझे ज़रूर दिखाएं, मेरे लिए शर्फ की बात होगी। अच्छा, फिर आपको पता नहीं है कि हज़रत उस्मान ने हज़रत अबू बकर वाले नुस्खे उनको नज़र आतश करवा दिया, उन्होंने नए नुस्खे को तैयार करवाया था, और जो नया नुस्खा भी तैयार करवाया था उस कमेटी पे एतराज़ हो गया था कि जी ये तीन बंदे कौन है कमेटी वाले के ये कुरान मजीद मुरतब करें, तो हज़रत उस्मान ने उसकी इस राय का, उन लोगों की राय का एहतराम किया, कमेटी को इनहांस कर दिया गया, उन्होंने दोबारा से हज़रत अबू बकर वाला तरीका इख्तियार करके लोगों से आयतें लीं और इस नुस्खे का नाम अमाम रखा गया। मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या बताना, और इस अमाम की कापियाँ करा के, 7 कापियाँ करा के मुख्तलिफ जगह पे भेजी गई। मैं कहूँगा कि हज़रत अबू बकर वाला बता दें। अच्छा, हज़रत हिफ्ज़ा ने कहते हैं कि अपना नुस्खा नहीं दिया था, सारे नुस्खे जमा किए गए, इनको नज़र आतश किया गया, और डॉक्टर सुबी साले अलूमुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि बाज़ नुस्खों को नज़रियाब भी किया गया। चले आगे चल के ये भी लिखा गया है कि खलीफा मरवान ने हज़रत हिफ्ज़ा वाले नुस्खे को भी तलफ कर दिया, इसलिए कि आने वाले दौर में किसी को कोई शक ना हो जाए उस नुस्खे की वजह से। मैं कहता हूँ वो नुस्खा इंतहाई कीमती था, आज अगर वो हमारे पास होता आप तो उसकी कदर ना करते या करते, मेरे लिए वो नुस्खा बड़ा कीमती था। असल नुस्खे वो थे हज़रत हिफ्ज़ा वाला, हज़रत अबू बकर वाले, उनको क्यों नहीं रखा गया, हमें इस कीमती ख़जाने से महरूम रखा गया कि हम रिसर्च ना कर सकें, और आप रिसर्च कर रहे हैं जो कापी दर कापी किया गया उस पर सारा अतमाद आपका। बल्कि एक चीज़ का आपको जिक्र करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया कि हज़रत उस्मान जब उनको शहीद किया गया तो जो तलावत कर रहे थे उस नुस्खे पे सूरह बकरा की किसी आयत पर वो खून के धब्बे, मज़े की बात है कि वो 3 मुल्कों के अंदर कुरान मजीद वो नुस्खे मौजूद हैं, तीनों पे खून के धब्बे हैं, ये भी बात हो सकती है। आपने ये कहा कि सबूत के तौर पर आपने को हवाले के तौर पर बताया था कि अल्लाह और बनी इसराइल का माबूद एक ही है, आप पक्के हो गए हैं कल के जनाब तौहीदी साहब को सुन के। बहुत सारे क्रिश्चियंस ने तराजम के अंदर अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, असल लैंग्वेज के अंदर जो ग्रीक, हिब्रू और एरामी, वहाँ मुझे आप बता दें अल्लाह का लफ्ज़ किसी ने नहीं लिखा,
और फिर जो आप तवातर की बात कर रहे हैं, ये अल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह की डीटी भी तवातर के साथ मुझे बता दें, नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि अल्लाह, पहली बात तो ये है कि अल्लाह और जिस खुदा को हम मानते हैं इसमें डिफरेंस है। हमें आप यही कन्विंस करें कि आप उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, तो शायद पहले तो ये इख्तलाफ दूर करें, बाकी बातें तो बात की हैं, आप यही बहुत पहले दूर करें। मैं कन्विंस नहीं हूँ, कम से कम बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो इस बात को मानते हैं। बाकी तर्जमों के अंदर आना, उसकी वजह कि जब ये तराजम किए गए तो उस कमेटी के अंदर मुसलमान स्कॉलर्स भी मौजूद थे। आ गया, मैं उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, तर्जमा कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जिसको आप समझते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये कहना कि ये खुदा और बनी इसराइल का खुदा और कायनात का खुदा सेम गॉड, ये बात हमें हज़म नहीं होती कम से कम। तो ये चंद गुजारिशात थी। अगेन मैं इस बात को कहूँगा कि जितने हवाले मैंने दिए हैं द्रोग बरगर्द निरावी। थैंक यू वेरी मच जी, आपको 6 मिनट बाकी हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे पास्टर शफीक कमल साहब। अब मैं दावत दूंगा अब्दुल रहमान साहब को कि वह आए अपना रिबटल पेश करें, उनके पास 25 मिनट है अपना जवाब दावा पेश करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। उन्होंने कहा कि नबूवत रूहुल कुदस की तहरीक से खुदा की तरफ से नबी बोलते थे, ये तो पतरस का उन्होंने हवाला दिया था। तो सूरह नहल 16 नंबर सूरत है, 102 नंबर आयत, अल्लाह पाक ने फरमाया कि रूहुल कुदस ने तेरे रब के हुक्म से ये कुरान तेरे दिल पर नाजल किया है, लिहाजा रूहुल कुदस वाली शरत तो पूरी हो गई। उसके बाद ये कि नबियों की तालीम में यूनिटी होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि ये डिवाइन आथर था। कुल नबी कहते रहे कि सुन ऐ इसराइल, खुदाबंद तेरा खुदा एक ही खुदाबंद है, तो यही मोहम्मद अरबी ने कहा। तो ये दरमियान वाली बिदत कहाँ से आ गई? उसके बाद ये बाइबल की किताबें कंसिस्टेंट हैं, तजादात बाइबल, ये मेरी किताब अल बुरहान पढ़ी है, इसमें आप लिस्ट, उसकी लिस्टें जो बनी हुई हैं तजादात की, वो आप सफ़े देख लें, आपके पास भी किताब है। तो तजादात साबित करते हैं कि ये बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। उसके बाद आपने फरमाया कि नबी और किताब को मैं मुतबादल के तौर पर लेता हूँ, ये आपने बहुत ही अच्छा किया, मुझे मौका फराहम कर दिया, तो मैं सारी गुजारिशात मैं इसी बहाने पेश करूँगा। आपने फरमाया कि साइंस के मुताबिक है, तो ये जो सूरज रुक गया था यशु 10:12-14 में कि सारा दिन रुका रहा, ये किस साइंस से साबित होता है जी? सूरज का रुकना किस साइंस के मुताबिक है कि यशु यूशा वो उनके दौर में ये 10:12-10 कि सूरज रुका रहा किस साइंस से साबित हो सकता है? सूरज तो रुक जाए तो सारा निज़ाम ही तलपट हो जाए। 12 सर, आप, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सर, यशु 10:12-14 सर। अब ये कि दुनिया से समझौता नहीं करता, तो यही मैंने साबित किया है कि एक शख्स उठा, कोई वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी, किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, एक आदमी ने पूरी दुनिया की मुखालफत में तौहीद बताई और मुशरकाना मुआशरे में तौहीद काम करके दिखा दी। इसी वजह से माइकल हार्ट को भी मानना पड़ा कि नंबर वन एक ही हस्ती है। गैर मबूदों की प्रस्तुति करने का कहे तो झूठा होगा, तो उन्होंने तो बनी इसराइल के खुदा की प्रस्तुति की बात की है कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। अब पता करना पड़ेगा कि कौन खुदा एक के अलावा किसी और की प्रस्तुति की दावत देता है, तो वो झूठा होगा। फिर ये कि उनके फल से पहचान लोगे, तो भाई क्रिश्चियनिटी का फल ये है कि पूरी दुनिया में आपके सामने हैं हालात दोनों कौमों के, कि किसके अखलाकियात में क्या क्या है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि यहीं पर एक साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा था
कि मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने मसीहियों की आबादी में अपना घर बना लिया, मेरे सारे बच्चे नशे पर लग गए। तो अब भी उसके मानने वाले, रसूल करीम के मानने वाले करोड़ों से अच्छे। अब ये कि यहूदी निशान मांग रहे थे, वो उनसे भी बड़ा निशान मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सजनाकार कौम को कोई निशान ना दिया जाएगा जो सवाए इसके कि यूना के निशान के। तो भाई यूना का निशान भी नहीं दिया, जिसकी वजह से मोहतरम को अकीदा ही तब्दील करना पड़ा कि जुमे के बजाय बुध को सलीब मानते हैं, क्योंकि ये मेरे सामने किंग जेम्स वर्जन है, 3 दिन और 3 रात की बात है, जुमे वाली शाम को सलीब दे के इतवार को सुबह उठा के 3 दिन और 3 रात पूरे कर दें तो हम मान लेंगे। यूना का निशान कैसे हुआ, वो भी नहीं दे सके। फिर ये कि आपने भी फरमाया, मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ कि ये दीन वही है जो नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा का दीन था। ये बिद्दत जो दरमियान में आई है तीन खुदाओं वाली, इसका पता करें कहाँ से आई है, सब एक खुदा के मानने वाले थे। फिर आपने एतराज़ किया कि तौरात और कुरान जैसी किताब बना लाओ, ये चैलेंज था। भाई बिल्कुल ठीक है, तौरात खुदा का कलाम था, जो उतर हुई थी बिल्कुल खुदा का कलाम था। अल्लाह पाक ने कहा कि तौरात और कुरान से बढ़ कर को हदायत वाली किताब है तो बना लो, नहीं बना सका कोई भी, चैलेंज आज तक है। अब आपने सूरह आराफ 179 नंबर आयत के हवाले से कहा कि बाद जन्नात और इंसानों को दोज़ख के लिए पैदा किया गया। वो भाई तर्जमा दुरुस्त कर लें, आप मुझे मशवरा दे रहे थे कि दोबारा पढ़ूँ, मैं बिल्कुल पढ़ूँगा जनाब, लेकिन ये लाम इसको काम कहते हैं, लाम अकबत। वो जिन और इंसान जो बुरे काम करेंगे उनका अंजाम दोज़ख होगा, ये नहीं कहा गया कि पहले दिन से पैदा कि हाँ बाइबल के मुताबिक हैं कि कुछ लोग खुदा ने उसके लिए पैदा किए हैं दोज़ख के लिए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने कहा कि जो बुरे काम करेंगे उनका अंजाम दोज़ख होगा, चाहे जिन्नों में से हों चाहे इंसानों में से हों। अब यह कि सजदा मरियम को उख्ते हारून कहा गया, ये बुरहान मुतसद्दद है। पहली तो बात यह है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा नजरान में गए सालाना टैक्स लेने, उन्होंने कहा कि जी ये जो आप कहते हैं कि उख्ते हारून, ये क्या बात हुई। उन्होंने रसूल्ला से आकर पूछा, क्योंकि ज़ाहिर साहबा की शान यही थी कि वो रसूल्ला से पूछते थे। तो आपने बताया कि भाई लोग अम्बिया के नामों पर नाम रखा करते थे, किताबुल अम्बिया बुखारी में है ये बात कि भाई अम्बिया के नामों पर नाम रखा करते, इनके भाई का नाम हारून था, उनके वालद का नाम इमरान था। अब कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ये सफ़ा है इसका, आपके पास तो है, अल बुरहान देख लें आप उसमें जाकर भी। जनाब मत्ती ने लिखा है कि यसू मसीह इबन दाऊद इबन अब्राहम का नसब नामा, जहाँ से शुरू होती है अंजील, यसू मसीह इबन दाऊद इबन अब्राहम का नसब नामा। अब इन बुज़ुर्गों में हज़ारों साल का फ़र्क है, तो कैसे इबन दाऊद होगा और कैसे इबन इब्राहिम होगा, पूरा नसब नामा देना चाहिए था। उसके बाद आ गई सजदा मरियम, उनके बारे में यसु मसीह की वालदा मरियम का शौहर यूसुफ जो है वो पेशे के लिहाज से नजार था, वो याकूब या इली का बेटा था, उसके बाप का नाम ही मालूम नहीं है, वो याकूब या इली का बेटा था, क्योंकि मत्ती के मुताबिक वो याकूब का बेटा था मत्ती 1:16 और लूका के मुताबिक वो इली का बेटा था लूका 3:23। वो यसु का दुनियावी बाप समझा जाता था। यूसुफ ने यसु मसीह को बढ़ई का काम सिखाया, बहवाला मरकज 6:3 और कामूसुल किताब 1175 सफ़ा नंबर 1175। वो यसु का ज़मीनी और कानूनी बाप था, मुतालियात इशाद 2457 सफ़ा। इली के बारे में कामूसुल किताब 678 पर लिखा कि इली मरियम के खावंद यूसुफ का बाप था, लूका 3:23। कई मुफस्सरों के नज़दीक मसीह की माँ मरियम का बाप था, कामूसुल किताब 678। कामूस के 1150 पर याकूब को यूसुफ का बाप लिखा है। कुछ पता नहीं कि कौन किसका बेटा था, तो कुरान मजीद पर कैसे एतराज़ होता है। कुरान तो मुहैमन है बाइबल पर और उसको करेक्शन करता है उसकी कि भाई ये गलत फहमी थी तुम्हें, इसको दुरुस्त कर लो। तो जिन हजरात को यसु के बाप यूसुफ के वालद का नाम मालूम नहीं, मरियम के वालद का नाम मालूम नहीं, उनके मरियम के भाइयों के नाम कहाँ से मालूम होगा, कोई लिस्ट है। इसलिए कुरान का बयान बिल्कुल बरहक है, जो फरमाया दुरुस्त फरमाया। अब यह कि सैयदना यूसुफ को कैद में क्यों डाला, उन्होंने खुद दुआ की थी
कि जिसकी बात की तरफ ये मुझे बुला रहे हैं यानी बदकारी की तरफ, उससे मुझे कैद पसंद, उन्होंने खुद दुआ की थी। अब आगे जनाब के 2000 बार वारद होना पड़ेगा सूरह मरियम 68-72 नंबर आयत। भाई साहब बात यह है कि जैसे आप कहते हैं कि मुझसे पढ़ लो, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, मैं आप जैसे आलम से पढ़ूँ, इंशाल्लाह कभी मौका आया तो पढ़ूँगा। तो मैं भी कहता हूँ ये कुरान मजीद हमसे पढ़ना है आपने, पूरा वो रुकू पढ़ें जिसमें ये बात आई है कि हर कोई दोज़ख पर वारद होगा। ये भाई कुफार के बारे में बात हो रही है, पीछे से पढ़ो तो सही, पूरा रुकू कुफार के बारे में है कि काफिर तुम में से कोई नहीं बचेगा जो दोज़ख पर वारद ना हो, ये उनकी बात है। पूरा रुकू पढ़ें आप, ये मुसलमानों की तो बात ही नहीं है। अब यहाँ पर एक और आयत मैं कोट करना चाहूँगा बाइबल शरीफ से, मरकज की इंजील से, जिसका दूसरा कोई मतलब नहीं हो सकता। 9:48 नंबर आया था, हर शख्स आग में से नमकीन किया जाएगा। इसका मतलब को बता दें कि इसका क्या हल है। हमारे यहाँ तो सिर्फ काफरों के बारे में है, इधर तो हर शख्स है कि आग से नमकीन गया, निजात कहाँ? आप बारिश से बचने के लिए प्रणाली के नीचे जाके खड़े हो गए, जिस काम के लिए आपने मसीहत कबूल की थी वो तो आपको नहीं मिलेगा, निजात तो नहीं मिलेगी। ये सामने लिखा होगा हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। अब आगे जन्नत की मादी नेमतें, आपने कहा जी वहाँ पर शूरे होंगी, फलां होगा। भाई ये हम नहीं कहते, ये पुराने सारे कह रहे हैं, पुराने मजीद जो है और ये इस्लाम जो है वो सब अम्बिया की तालीम का तसलसल है, सिर्फ आप बीच में से नई एक बात कर रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर है इस्माइल बुरहान में आपके नज़र से ज़रूर गुजरा होगा। नए अहदनामा के मुताबिक यसू ने सलीब पर लटके हुए बदकार को कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यसू ने सलीब पर, यह नया अहदनामा के मुताबिक जन्नत की मादी नेमतें, यसू ने सलीब पर लटके हुए बदकार को कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23:43। पौलुस अपने मतलब लिखते हैं, मुकद्दस पौलुस, कि फिरदौस में पहुँच कर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। 2 कुरिन्थियों 12:4। सबसे पहले मैं फिरदौस का लफ्ज़ की तशरीह कर दूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। फिरदौस जो है ये बाग को कहते हैं जिसके दरख्त फैलते जाएं, कई किस्म की नबातात हों, पानी की छोटी नहर हो जिसके अंदर अंगूर और हर तरह के फल हों। बाग, गुलजार, गुलशन, बहिश्त, जन्नत, ये सारे डिक्शनरी वालों ने माने इसके लिखे हैं। तो फरमाया आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर फरमाया मकाशवा 2:7, जो गालब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। अब जनाब जनाबे पाल अपने ख़त में लिखते हैं कि वो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करा दी, कर दें। 1 कुरिन्थियों 1:9। तो खुद सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मत्ती 26:29, मरकज़ 14:15, लूका 22:18, मैं तुमसे कहता हूँ अंगूर का शीरा फिर ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने रब की बादशाही में नया ना पीऊँ। और फिर फरमाया यूहन्ना 14:2 में, मेरे बाप के घर में बहुत से महल हैं। तो यही हम कहते हैं, हम कौन सी को नई बातें करते हैं जी, कि वहाँ पर महल होंगे, वहाँ पर फल होंगे, वहाँ पर नेमतें होंगी, यही तो हम कहते हैं। और फरमाया मत्ती 19:29 में, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातर छोड़ दिया उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। उसको 100 गुना क्या मिलेगा? माँ बाप बहन बच्चे, सारे बच्चे कहाँ से आएंगे? हवा से, बीवी होगी, तो 100 गुना मिलेगा वहाँ पर। तो अगर हम सिर्फ ये कह दें कि 72, वो 100 नहीं होते, कम होते हैं, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि असल बात यह कि 72 शुहदा को मिलेंगी, 2 आम जन्नती को मिलेंगी।
तो वहाँ पर तो भाई बहुत काबिल एतराज़ है, यहाँ पर 100 गुना है कि 100-100 बीवियाँ होंगी। अब जनाब अली कुरान की जमा हफाजत पर इन्होंने एतराज़ किया, कुरान की जमा हफाजत पर कि ये भाई सारा अफसाना आप मुझे सुना के गए हैं। तो भाई बात यह है कि आपने फिर ये भी फरमाया कि ये नकलदार नकल है, ये कुरान असल कहाँ है, एक ये बात। और दूसरा जो आपने कहा कि किताब और नबी एक दूसरे के मुतबादल हैं, तो ये आपने मुझे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, तो मैं अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में बाइबल का कोई मुतफिका नुस्खा नहीं है, मुतफिका नुस्खा नहीं है। सामरी 5 किताबों को मानते हैं, यहूदी 39 किताबों को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट 66 किताबों को मानते हैं, कैथोलिक 72 किताबों को मानते हैं, आर्थोडॉक्स 81-82 को मानते हैं, और कुल्लो हम कहते हैं रूहुल कुदस की मदद से लिखी गई। समझ आई ना जी? तो भाई पुराना अहदनामा और नया अहदनामा को ना सनद उसकी मुत्तसिल है, ना उसको तवातर का दर्जा हासिल है। आपने कहा कि ये कुरान नकल दर नकल हासिल कहाँ गया, तो मैं जनाब को पेश करता हूँ कि पूरी दुनिया की बाइबल सोसाइटीज़ का हेड ऑफ स्विंडन बरतानिया में है, 150 बाइबल सोसाइटी 200 मुल्कों को कवर कर रही हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार करवाए। इंटरनेशनल सेमिनार में कोई आम बंदा नहीं जाता, बहुत बड़े आलम जाते हैं, तो उनके सिलेक्टेड मकालात यानी 10 साल जो सेमिनारों में मकाले पेश किए गए उनमें से भी सिलेक्टेड उन्होंने चुने, उनको जमा करके उसको बना दिया डिस्कवर दी बाइबल। असल किताब भी मेरे पास मौजूद है, तर्जमा मौजूद है, जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर ने किया है। उसमें क्या लिखा कि यस्सू के असल अल्फाज का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद रहे, उर्दू का 118 नंबर है, अंग्रेजी का 132 नंबर सफ़ा है, असल कलमी नुस्खे मौजूद ही नहीं, 120 उर्दू और 331 उर्दू, 135 अंग्रेज़ी, 330 सफ़ा अंग्रेज़ी का। नकल नवीस जानबूझकर मतन में तब्दीली कर देते थे, 124 उर्दू, 121 उर्दू, 136 और 138 अंग्रेज़ी। किसी एक आयत पर भी इत्तफाक नहीं है, सुबहान अल्लाह है वाबे हमदही, 123 उर्दू और 138 नंबर अंग्रेज़ी। सारे मसीही एक ही मजबूआ को मुस्तरद नहीं मानते, 178 उर्दू, 181 अंग्रेज़ी। चारों अनाजील का मुसन्नफ़ नामालूम है, ओ भाई अबू बकर अगर मुसन्नफ़ है, मुसन्नफ़ तो मालूम है, चारों अनाजील का मुसन्नफ़ नामालूम है, 167 का हाशिया उर्दू का और 179 का हाशिया नंबर 3 अंग्रेज़ी का। मुखालफीन की किताबें तबाह कर दी गई। आपने फरमाया कि झूठे नबियों को जंग के ज़रिए ख़त्म किया गया, यहाँ भी यही है, मुखालफीन की किताबें तबाह कर दी गई। सफ़ा 172 का हाशिया उर्दू में, 184 का हाशिया नंबर 19 अंग्रेज़ी में। कलीसिया एजान रसां बन गया और ईसाइत जबर से फैली, यानी ईसाइत जबर से फैली, फिक्रा क्या, कलीसिया एजार सां बन गया, 168 का हाशिया उर्दू का और 180 का हाशिया अंग्रेज़ी का। अपा क्रिफा के हवाले नए अहतराम में पाए जाते, आपने फरमाया कि हम अपा क्रिफा को नहीं मानते, आपकी बात मैंने जो सुनी उसके मुताबिक मैं अर्ज़ करता हूँ कि नए अहतनामा में अपा क्रिफा के हवाले पाए जाते हैं, उर्दू का सफ़ा 170 और अंग्रेज़ी का 181 और 182 का हाशिया। नए अहतनामे को कुरान जब लिखा गया तो कुरान समझ कर लिखा गया, खुदा का कलाम समझ कर लिखा गया। नया हजनामे का क्या है, शुरू में इनको पाक नविश्ते नहीं कहा जाता था, समझा जाता था, यानी नया हजनामा बतौर मुकदस मतन तहरीर नहीं हुआ। उर्दू का सफ़ा 121 और उसका 136 अंग्रेज़ी का। अब जनाब आ गए दो बड़े मसीही फिरकों यानी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ने 2013 में मुश्तरका तौर पर एक किताब शाया की है जिसको इजमाए अनाजील अरबा कहा जाता है। ये चारों अनाजील का मतन इस पर बराबर कालमों में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ये बात 3 अनाजील में नहीं है, चौथी में है, पूरी किताब इसी तरह है ये, और इसको कहते हैं इजमा। तो सर इजमा के मानी ये नहीं होते, पूरी किताब में फरमाया गया और इजमाए उम्मत है इस पर कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हजरात ने मिलकर ये लिखी है कि ये चार अंजीलें बराबर हैं, ये बात इसमें पाई जाती इसमें नहीं पाई जाती और इसको कहते हैं इजमा। तो भाई ऐसी बात नहीं है, इजमा नहीं है। फिर ये
कि बाइबल की किताबों के बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको मैं अगर कहें मैं लिस्ट बना देता हूँ कि मुसन्नफीन ही ना मालूम है, कुरान मजीद पर यह बुरा वक्त नहीं है। अब आपने जो बातें की उसके मुताबिक ना तो बाइबल की सनद मुत्तसिल है, आपके पास है कि दलील बनाती बाइबल, हमारे पास दो है कुरान और हदीस, तो ना बाइबल की सनद मुत्तसिल है, मुसन्नफी ना मालूम है, मुतफिका नुस्खा का है नहीं, जो कुछ है नकल दर नकल किताबें हैं, किसी एक आयत पर भी इतफाक़ नहीं है, तो इधर जो कुछ है उस पर बहुत हद तक इतफाक ना, और मैं कि हदीसें इतने लाख में से ये जमा की गई फलां है, और भाई सहीफा हमाम इब्ने मुरब्बा सामने आया, सहीफा सादका सामने आया, हुजूर के दौर में भी किताबत शुरू हो गई थी, वो जो सहीफे सामने आए हैं उनको बुखारी से आप लोगों ने ही चेक किया है कि जनाब फौरी तौर पर जब वो सहीफा छपा है तो उन्होंने कहा भी इसको चेक करो, 2000 साल के बाद जब वो चेक हुआ है तो उसकी एक एक सनद तक वही है। अब आगे बात के सनद को कोई अदालत नहीं मानती, तो ये बेसनद को तो कलाम मुकदस कह रहे हैं और सनद वाला जो है वो नामर वो गैर मोतबर हो गया जनाब, जिसका कुछ सिर पैर ही नहीं है वो तो कलाम मुकदस है, जिसका आपस में इतफाक नहीं वो भी कलाम मुकदस है, और हर शिया जो है वो रूहुल कुदस की तायद से लिखी गई है, तो जिसकी बाकायदा सनद मौजूद है तो ये जो अदालत में गवाही देते हैं वो होते फौरी वाक़ियात। अरस्तु को ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, ये तारीख की गवाही पर हम मान रहे हैं कि इस नाम का कोई आदमी हुआ है, अगर आप अरस्तु का इनकार करें तो आपको लोग तरदीद करेंगे आपकी कि नहीं इसराब ऐसे नहीं होता, ये तारीख भी कोई चीज़ है, ये सनद भी कोई चीज़ है, ये रिकॉर्ड दुनिया में जो है वो भी कोई चीज़ है, हमारे पास कनेक्टेड लिंक और तवात्र हासिल है, लेकिन जो बाइबल शरीफ है उसके मुसन्नफीन भी ना मालूम है, और इसके अलावा एक और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया जी सर, वो नुकसान ये हुआ कि वो सामने पड़ी है जी, वो नीचे वाली बाइबल दे दे, ये कल्चरल बैकग्राउंड स्टडी बाइबल है NIV की, अमेरिका से छपी है, 2016 का एडिशन मेरे हाथ में, इसमें उन्होंने ये लिस्ट दी है 39 किताबें आया ना नया हैदरामा में, उन्होंने कहा जी 39 मुशरकाना मतून जो हजरत मूसा से भी 2500 साल पहले के हैं वो बाइबल में शामिल हैं, और ये पूरी किताब इसी पर लिखी गई है, हर ऐत की जाल में लिखता है कि फलां मुशरकाना मतन की बुनियाद पर यह बात लिखी गई है, 39 मुशरकाना मतून बाइबल में शामिल हैं, पुराने अहदनामे की मैं बात कर रहा हूँ, नए अहदनामे का मैंने अर्ज़ किया कि उसमें अपाक्रिफा के हवाले हैं, कौन कह रहा है, बाइबल सोसाइटीज़ का हेडक्वार्टर, अंग्रेज़ी भी मौजूद उर्दू भी मौजूद, तो भाई अगर मुशरकाना मतून जो हजरत मूसा से भी 1500 साल पहले के हैं वो तो हो गए कलाम मुकद्दस और रूहुल कुदस की तायद से, और जो नबी तालीम दे रहा है जो सारे नबियों की बात के साथ मिलती है कि खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो भाई वो हो गया बेबुनियाद। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी चीज़ को माने ना माने, लेकिन ये कल्चरल बैकग्राउंड स्टडी बाइबल बता रही है कि बाइबल शरीफ में सिर्फ यही नहीं कि जो किताबें मौजूद हैं उनके मुसन्नफीन ना मालूम है, बल्कि वो कहते हैं 39 किताबें 39 मुशरकाना मतून इसमें शामिल है, देखना चाहें मैं हाजिर हूँ। मैं इसके साथ ही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया ये थे अब्दुलरहमान साहब। मनाजरे का दूसरा मरला भी इख्तिताम पज़ीर हुआ, रिबटल सेशन ख़त्म हुआ, अब चलते हैं मनाजरे के तीसरे मरले की तरफ। ये इख्तितामी आ रहा है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं और 10 मिनट टाइम है। सबसे पहले पास्टर शफीक कंवर साहब आएंगे और अपना जो है कंक्लूडिंग जी ये बटल। लेकिन टाइम 10 मिनट है, शॉर्ट रिबटल प्लस कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आज शुक्रिया, आपने कहा जी रूल कुस वाली शर्त पूरी हो गई, तो हम तो रूल कुस को खुदा मानते हैं, आप कहते वो हज़रत जबराइल था, तो वो शर्त कैसे पूरी होगी, पर्सन ही अलग हो गया, पूरी कैसे होगी। एपोक्रिफा के आपने कहा कि न्यू टेस्टामेंट में हवाले हैं, अगर एपोक्रिफा के हवाले मौजूद थे तो वो हवाला देना चाहिए था आपको। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि किसी किताब का हवाला दे देना इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुकद्दस किताब इल्हामी किताब है,
हवाला हो सकता है। पलूस असूल कहता है कि तुम्हारे शायरों में से किसी ने कहा कि हम खुदा की नस्ल से हैं, इसका यह मतलब नहीं था कि वह मुकद्दस किताब का हवाला था। और तौहीद पे आपने कहा कि जी बाइबल में कलमा शमा तो हम भी तौहीद को मानते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर तौहीद आपका विंटेज मार्क है तो ये जो कादियानी है वो भी एक खुदा को मानते हैं, आप उनके साथ ज़रा इकट्ठे नमाज़ पढ़ के दिखा दें। और ये तौहीद हमारी समझ से बाहर है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तौहीद परस्त अगर चोर और डाकू भी हो तो वह जन्नती है, इस तौहीद से हमें तो कम अज़ कम खुदा बचाए। और लिस्ट आपने कहा फ़र्क है, लिस्ट आपकी भी फ़र्क है, हमें कह दिया आपने लिस्ट आपकी भी फ़र्क है। आप मुझे बताएं कुरान मजीद में तो ये है कि चार किताबें हैं, आपका ईमान भी है कि चार किताबों, बाकी की तीन किधर है, ये एक अलग क्योंकि लिस्ट फ़र्क कर ली ना आपने। अच्छा हम अगर कहते हैं हम तो मानते ही 66 को, इसलिए 66 रखिए, आप तो चार को मान रहे हैं, बाकी तीन क्यों नहीं लगाई, आपका कसूर है, हमें आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा कहते हैं जी बाइबल में लिखा है कि सूरज रुक गया था, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ये आप नोट कर लें, वो जो आप हवाला दे रहे हैं सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ, वो लिखा है आशर की किताब में लिखा है, किसी किताब का हवाला है। और वैसे साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये बात है भी सच, लेकिन ये तो आशर की किताब का हवाला है अगर आप इतराज़ कर रहे हैं। कहते हैं जी मसीहत में और इस्लाम में अखलाकियात का फ़र्क है, पहली बात है कि ये आपको ये पर्सनल अटैक आपका हो गया कि जी क्रिश्चियन तो बहुत बुरे हैं और मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मैं ये जिसारत नहीं कर सकता, ना मुझे ये करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और क्रिश्चन के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमानों में भी बड़े बुरे लोग हैं और क्रिश्चन के अंदर भी बुरे लोग हैं, लेकिन मेरा एक टेस्ट है कि अभी दोनों चलते हैं बाहर दूध की दुकान से दूध लेना, अगर वो खालस हो जाए तो आपकी बात सच्ची, मैं आपका कसूरवार। और आपने जो पॉइंट बताया जी चूँकि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा, कहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा, क्रिश्चन की तादाद ज़्यादा, और तादाद के ऊपर आप फैसला करेंगे कि कौन सी बात सही है कौन सी मिस इंटरप्रेट कर दिया चीज़ों को, कि आग से नमकीन किया जाएगा, ये आग से नमकीन हमें इस दुनिया में किया जाएगा, मतलब हम जो क्रिश्चन इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं ये हमें आग ही से नमकीन किया जा रहा, कितनी बस्तियाँ हमारी जलाई हैं। नेमतें आपने जिक्र किया जी बाइबल में भी नेमतों का जिक्र है, 100 गुना मिलेगा, उसमें मुझे बता दे कहीं हूरों का जिक्र हो, कहीं गुलमान का जिक्र हो, सील पैक शराब का जिक्र हो, ये आपने कैसे मिला दिया कि ये बाइबल की नेमतें बिल्कुल उसी से मिलती हैं। मेरा एतराज़ तो इन चीज़ों पे था, उसका नहीं आपने जवाब दिया, आपने मिला दिया इनको। कहते हैं जी यूना का निशान नहीं दिया गया, और आपने एतराज़ फिर हिसाब कैसे लगाया कि 3 दिन और 3 रातें पूरे नहीं हुए, और 3 दिन कहाँ से शुरू कर रहे हैं जनाब, कि जुम्मे के दिन मसलूब किया गया, इनको बाइबल दें इसमें से निकालें कि जुम्मे का दिन कहाँ लिखा हुआ, बाइबल दें इनको, ये निकाल के रखे आपने एंड करना तो उसमें मुझे बता दीजिएगा कहाँ लिखा जुम्मे का। वैसे आपको बताऊँ कि 3 दिन और 3 रात पूरे हैं, लेकिन आपने मुझे जुम्मे का दिन निकाल के दिखाना है, वहाँ से आपने गिना ना, तो फिर हम आपकी गिनती को सही मान लेंगे। ये आप इधर उधर से पढ़ लेते हैं, कोई खावर शीद बट से सुन लिया तो वही जाके आपने बयान दे दिया। कहते हैं जी लिखा कि इब्ने दाऊद तो इब्ने दाऊद में ही था, दाऊद की नस्ल में से था, इसलिए उसको इब्ने दाऊद कह दिया। आप जो एतराज़ मैंने किया वो तो पूरे ख़ानदान का नाम लिखा हुआ उसमें, माँ का नाम भी लिखा हुआ, बाप का नाम भी लिखा हुआ, भाई का नाम भी लिखा हुआ, 2 भाइयों का नाम लिखा हुआ, ये तो पूरा ख़ानदान और उसके ख़ानदान के नाम से सूरत है सूरह आले इमरान, ये जस्टिफिकेशन नहीं है ठीक है आपकी। सूरह मरियम का आपने कहा कि वो काफरों के लिए लिखा हुआ, दिखाएं मुझे वो, नहीं कुरान मजीद का सूरह मरियम की आयत जो थी, आप मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने मेरा तारफ़ भी अदा कराया कि इस्लामियात में मास्टर किया, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में भी मास्टर किया, इस्लामियात में भी किया, उर्दू में भी किया, MDiv भी किया और MTHN मिशन भी किया, इस्लाम को बहुत पढ़ा हुआ है, इतना आप मुझे एक मिनट
इब्ने कसीर की तफसीर को उम्मुल तफासीर कहा जाता है। वो कहता है कि ये बात तो तय है कि मुसलमानों को दोज़ख में एक दफ़ा जाना पड़ेगा, ये इब्ने कसीर की बात है। अच्छा यहाँ देखें जी, लिखा है कि तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है, ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई फैसलशुदा अमर है। आगे सुने, फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे। ये काफ़र परहेजगार हैं, ये परहेजगार मुसलमान ही होंगे जिनको बचा लेंगे। आप मुझे बता दें कि काफरों में भी परहेजगार हैं जिनको बचाया जाएगा, और नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। ये तो कुरान मजीद अपनी तशरीह खुद कर रहा है, आपको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आपको पता नहीं है कि पुल सरात का नज़रिया जो है वो इसी आयत से लिया गया है। हाँ, फिर वो आपने मुझे एक किताब दिखा दी, सिनॉप्टिक गॉस्पल। आपने पता नहीं उर्दू का क्या उसका तर्जमा किया था, आपको पता नहीं है कि सिनॉप्टिक गॉस्पल का नज़रिया फेल हो चुका। ली स्ट्रॉबल ने किताब लिखी, और भी कई मुसन्निफीन ने ये लिख दिया, ये नज़रिया, ये सिनॉप्टिक गॉस्पल का नज़रिया कि उसने उससे सुना, उसने उससे देख के लिखा, ये नज़रिया हम मानते ही नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये नज़रिया फेल हो चुका है, डेफर हो चुका है, उसी को लेके बैठे हुए आप। कहते हैं जी किताबों के मुसन्निफीन नामालूम है, हमें तो मालूम है सिर्फ़ एक इब्रानियों के ख़त के बारे में बात है, वो भी मैंने बता दिया था कि हम ड्यूअल ऑथरशिप को मानते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डिवाइन ऑथरशिप, कि ये खुदा ने लिखवाया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम कन्विंस हैं कि खुदा ने लिखवाया, इंसानी मुसन्निफ का नहीं भी पता, डजंट मैटर, खुदा का पता है कि खुदा ने लिखवाया, ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया यही है। और जी, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि एपोक्रिफल को न्यू टेस्टामेंट में कोट किया गया, मैं दोबारा कहूँगा कि आप मुझे बताते, कुरान मजीद में एपोक्रिफल को कोट किया गया, कौवे वाली जो तमसील है कि कौवे ने मर के दिखाया, दूसरे को मारा और दफन करके दिखाया, ये इन्फेंसी, गॉस्पल ऑफ इन्फेंसी से लिया गया। बाद में मैं आपको कोटेशन भी दे दूँगा। तो मुझ पर एतराज़ करने से पहले आप देख लेते कि खुद इस्लाम के बारे में क्या क्या मालूमात हैं। आप कहते हैं कि जी बाइबल के साथ भी यही हुआ, बाइबल के नुस्खों को ये नहीं किया गया कि पुराने नुस्खों को जला के तो बाकियों की कापियां बनाएगी, ऐसा कोई वाक्या नहीं। आप कह रहे दुश्मनों की किताबों को जला दिया गया, वो जला दिया होगा, वो मुसलमानों ने भी हमारी लाइब्रेरियाँ जला दी हैं, कई जला दी हैं, इधर पाकिस्तान के अंदर भी जलाई हैं। ये बाइबल के बारे में बताएं कि जब बाइबल जमा हुई है उस लाइब्रेरी को किसी ने जलाया। अभी तो हमें ये डेड सी स्क्रोल जो मतलब ये पुरानी लाइब्रेरियां भी हमें मिल गई हैं, उनको भी हमने टैली किया, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हमारा मौजू आज का ये था कि सच्चा नबी, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। आपने भी मकदूर बर बयान किया, मैंने भी बयान किया है, हम ये बात नाजरीन पे और सामीन पे छोड़ते हैं कि जो क्राइटेरिया बाइबल ने बयान किया और मैंने चीदा चीदा बातें बयान कर दी थी कि ये निशानियां हैं, अगर आपको समझ आए तो आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। मैं, आप जानते हैं कि इंतहाई सेंसिटिव मौजू है, मैं ज़्यादा आपे से बाहर हो भी नहीं सकता, हमने लिमिट्स के अंदर ही चीज़ों को बयान करना। आई थिंक अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है जी, मेरी बात बहुत शुक्रिया। ये थे पास्टर शफी कंवल साहब। अब मैं दावत दूंगा अब्दुल रहमान साहब को कि वो आए और अपना इख्तितामी आरा रिबटल प्लस कंक्लूडिंग रिमार्क्स पेश करें। शफीक साहब ने कहा कि रूहुल कुदस, आप हम खुदा को कहते हैं, आप फरिश्ते को कहते हैं, तो सर जिसका ये मुनाज़रा हो चुका है फादर रशीद का और मैथ्यू साहब का, उसमें तय हो गया है कि कौन है, फरिश्ता ही है। दूसरी बात कि तौहीद परस्त गुनाहगार जन्नत में जाएंगे, भाई उसके साथ पूरे कुरान में भी हदीसों में भी तौबा की शर्त है कि हो तौहीद परस्त, अगर गुनाह किए थे तौबा कर ली तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। बाकी ये क्या आपने कहा कि ये कौन सा कुड़िया हुआ कि हो भी गुनाहगार और जन्नत में चला जाए, तो
तो मैंने तो अर्ज़ कर दी कि तौबा की शर्त है सब के जगह पर, जब कानून एक दफ़ा एक्सप्रेसली बयान हो जाए तो हर जगह उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो तीतस पहला बाब 15 नंबर आयत है, तीतस के नाम खात है, उसमें कहा गया कि पाकों के लिए सब कुछ पाक है, तो ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा कानून है कि पाकों के लिए सब कुछ पाक है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पर तो पाबंदियाँ। फिर आपने कहा कि सूरज डुकने का हवाला तो भाई आशर की किताब में हो या किसी और किताब में हो, अब वो किताब मुकद्दस का हिस्सा है और ये सब किताबें खुदा के इल्हाम से हैं, लिहाजा अब वो किताब मुकद्दस का हिस्सा है। आशर की किताब में था या किसी किताब में था, अब उसकी बजाय इसका हवाला होगा कि जनाब यशू की किताब जो है 10वां बाब है उसका 12 और 13 नंबर आयत है, उन्होंने कहाँ से लिया, अब ये रूहुल कुदस की तायीद से लिखी गई किताब किताब मुकद्दस का हिस्सा है, लिहाजा सूरज रुकने का आपने फरमाया कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपने फरमाया कि मसीही तादाद में ज़्यादा हैं, बिल्कुल आपके जो आपके इलम में आदाद शुमार वही हैं, इनमें से जो यूरोपियन और अमरीकी जो ज़्यादातर दायरे हो चुके हैं 70 करोड़, वो आपने नहीं निकाले हैं, वैसे ही तादाद आपने पूरी कर ली, वरना वो तकरीबन सब के सब मुलद हो चुके हैं, दायरे हो चुके हैं, अगर नहीं तो जदीदियत का जो उनका नज़रिया है उसको आप देख लें। शराब का जिक्र हुआ, ये कौन सा दीन हुआ जिसमें शराब का जिक्र आ गया उसमें मिलेंगी जन्नत में, तो मैंने अर्ज के हूरे मिलेंगे, ओ भाई जो 100 गुना बच्चे मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, किसी औरत से ही मिलेंगे, एक के अलावा बीवी तो आप भी एक ही काल हैं, तो बाकी जो 99 होंगी वो क्या होंगी, अब आगे गिलमान तो जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ अपने बच्चे नहीं होंगे खादम भी होंगे, अब आगे कौन सी जन्नत है जिसमें शराब होगी, तो अंगूर का शीरा क्या होता है जो सैयदना मसीह ने कहा था कि मैं तो इतिहास पीऊँगा, शराब अंगूर के शीरे ही से बनती है भाई साहब, और किससे बनती है? अब आपने कहा कि जुमा का दिन, तो भाई आपके सारे त्यौहार, आपके सारा कुछ, आपका तवात्रे उम्मत गवाह है, सर एक मिनट सर, मैंने आपके साथ ऐसे नहीं किया, मैं आपके साथ ऐसे नहीं किया, मैंने आपसे कहा था कि बच्चा देख के मेरे साथ रोंद नहीं मारना आपने, तो भाई आपके सारी उम्मत मानती है और उसमें से सिर्फ आपका इस्तिस्ना कि आप बुध वाले दिन से नहीं मानते हैं, वरना आपको क्या ज़रूरत थी पेश आई, सबत शुरू हो रहा था, सबत किस दिन शुरू होता है, शाम के 6 बजे जुमे वाले दिन, उनका दिन यहूदियों का शाम के 6 बजे शुरू होता है, वो कहते हैं खुदा ने कायनात शाम के 6 बजे बनाना शुरू की थी, तो इसलिए वो सबत होने से पहले पहले वो उनको फांसी देना चाहते थे, तो क्या दिन बना जुमे का, सबत किस दिन होता है, हफ्ते को, तो अब कहते हैं यहाँ से दिखाएं, तो भाई सबत देख लें उसमें को सबत का जिक्र है उस सारे किस्से में, तो सबत किस दिन होता है, हफ्ते वाले दिन, सबत शुरू होने से पहले पहले वो सारे काम ख़त्म करना चाहते थे, उसी बुनियाद पर आपकी पूरी उम्मत जो है वो गुड फ्राइडे वगैरह जो भी आपके त्यौहार हैं वो मनाती है, तो जुमा वाला दिन हमने आप पर इल्ज़ाम नहीं सर लगाया और ना कि ये इल्ज़ाम वाली बात है, अगर हमारी गलती होगी हम करेक्ट कर लेंगे, लेकिन सबत हफ्ते वाले दिन शुरू होता है और शाम के 6 बजे शुरू होता है यहूदी कानून के मुताबिक, तो उसी को वो सरकमवेंट करना चाहते हैं, उससे पहले पहले उनको फांसी दे दें, आग से नमकीन किया जाएगा। आपने कहा कि मुसलमान मुल्कों में जो मसीही रहते हैं वही हम आग से नमकीन किए जा रहे हैं, मैं सर से कहूँगा कि मरकस 9:39-50 नंबर आयत को देख लें, ये दोजख की बात है जनाब अली साहब जी, ये दोजख की बात है पूरी, ये 39 नंबर से लेकर 50 तक जो आयत है हर शख्स आग से नमकीन है, दोजख की बात है भाई हमारे मुल्कों में, आपको ठीक आपको गिला होगा, हमें भी बहुत से गिले हैं कि जो किताबें लिखी गईं अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में रसूलल्लाह को गालियाँ देने वाली, ये सेकुलर एक मुअर्रख है डॉक्टर मुबारक अली, उसकी किताब है बरतानवी राज, उसका सफ़ा है 80, उसने कहा ये जो गालियाँ देने वाली रवायत और सारे काम जो है मिशनरियों ने शुरू किए थे, तो अब ऐसे ना करें आप, ये सारे काम कर चुके हैं। अब आपने फरमाया कि ये जो इब्ने कसीर ने लिखा है कि इससे बराज सारे मुसलमान हैं, तो भाई इब्ने कसीर से भी बड़े तबरी हैं, उन्होंने इसी याद की ज़रा में इब्ने बास से और इकरमा से और दूसरे बुज़ुर्गों से ये नकल किया है, यानी अल कुफार लफ्ज़ लिखा है हमारा,
आप देख लें। उसके बाद आ गया कि जनाबे अली कि जिसकी पेश कोई पूरी ना हो वो सच्चा नहीं है, तो बाकी तो जो अंबिया कहलवाते हैं उनकी तो पेशगोइयाँ नहीं पूरी हुई बाइबल में, मेरे पास लिस्ट है, अब टाइम भी नहीं है। तो जनाब यसू ने फरमाया था मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुके इब्ने आदम आ जाएगा, मत्ती 10:23 आयत है, ये पेशगोई आज तक पूरी नहीं हुई। उनकी एक और पेशगोई थी कि आपने सरदार कहन से कहा था कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुमने इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आता देखोगे, मत्ती 26:64 आयत है। उनकी कहानत भी ख़त्म हो गई, मुद्दतें गुजर गईं, ना कोई कहन ने देखा और ना इब्ने आदम बादलों पर तशरीफ़ लाए। आपने एक और मौका पर भी बहुत सी पेशगोइयाँ पूरी की जिनमें से कोई आज तक पूरी ना हुई, मुलाहजा हो मत्ती 24:29-31, हालांकि आपने उनके पूरा होने की मुद्दत भी तय कर दी थी और फरमाया था मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी ये नस्ल हरगज़ तमाम ना होगी, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगज़ ना टलेंगी। 24:34-35 इन तीन मिसालों से पता चला कि खुदाई तो बहुत दूर की बात है, आप तो सच्चे नबी के मियार पर भी पूरे नहीं उतरते। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जॉन द बैप्टिस्ट उनका मुकाम ये बताया गया है कि उन्होंने यीशु को अपनी तरफ आता देखकर कहा देखो ये खुदा का बड़ा राज दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29। और यसायाह नबी की किताब के हवाले से इंजील मरकस 1:2 में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजा तेरी राह, उन्होंने जनाबे यीशु को बपतिस्मा भी दिया। तो यूहन्ना की नबूवत साबित कर दें, आपने तो आखिरी नबी साबित किया, सादा नबी ही साबित कर दें, ना कोई मौजदा ना कोई बात ना कोई गल। तो भाई बात यह है कि आप लोग दूसरा एक काम करते हैं कि प्रॉपर नाउन को भी तर्जमा कर देते हैं, मसलन ये यहूदी कहते हैं जी, यहूदी कहते हैं कि वो याहिया थे, आप कहते हैं यूहन्ना थे। ये है डॉक्टर शानफील्ड की किताब है पास ओवर प्लाट, उसका सफ़ा 208 और 281 पर आपका नाम उसने याहिया लिखा है इटैलिक में। तो भाई बात यह है कि अगर मौजदा सच्चे नबी का मियार तो हज़रत दाऊद या यूहन्ना इस्तबागिका का मौजदा दिखा दें, और आपके यहाँ जो नबी हैं वो बुतपरस्ती भी कर लेते हैं, हज़रत सुलेमान को नाउज़ बिल्ला हम नहीं कहते जो बाइबल में है उसके मुताबिक, उनको यहूदी नबी मानते हैं, बादशाह नबी, ये उसकी किताब है रेवोल्यूशन इन जूडिया हाय मकाबी की किताब है 79 सफ़ा, मैं भी जनाब को दिखा भी सकता हूँ कि वो किसी के बारे में मसीही के बारे में लिखते हैं जो मसीहा उनका आएगा माशियाह, कि वो किंग सोलोमन की तरह प्रोफेटिक नबी हो सकता है। इसका मतलब सुलेमान नबी भी थे, बुत परस्ती भी कर ली, 1000 बीवियाँ भी रख ली, इसके बाद नबी पर तो कोई एतराज़ वारद हो ही नहीं सकता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। 1000 बीवियों के साथ अगर नबूवत हो सकती है, बुत परस्त बीवियों की खातर मंदिर बनाने से अगर नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो रसूलुल्लाह पर तो कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता। प्रॉफेटिक नबी उसने लिखा है जो रेवोल्यूशन जूडिया में हाय मकाबी ने, और यहूदी बड़े सेंसिटिव है अपने बुजुर्गों के बारे में अपनी बातों के बारे में। उसके बाद जो मियार आपने मुकर्रर किया उस पर बहुत सारे नबी पूरे नहीं उतरते, बल्कि बाइबल के कम ही नबी पूरे उतरते हैं। हज़रत दाऊद नबी थे, दूसरे की बीवी भी खिसकाई बकौल बाइबल, दूसरे की बीवी और नबी भी थे, अमाल की किताब 1:30 आयत कि उसने दाऊद ने नबी होकर जो दुआ की उसकी सुनी गई। तो भाई बात यह है कि जब नबी होकर वो उरिया हित्ती की बीवी भी खिसका लें, उरिया हित्ती को कत्ल भी करवा दें और इससे नबूत में भी कोई फ़र्क ना आए, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मलंग के पास किसी दूसरे मलंग ने कुत्ते के गोश्त का पुलाव भी भेजा, शराब की बोतल भी भेजी, लौंडी भी भेजी, उसने तीनों काम करके कहा कि अपने पीर को जाके बता देना, इससे हमारी फ़कीरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाई बात यह है कि 1000 बीवियाँ रख के भी नबी, बुतों के मंदिर बनाकर भी नबी, बुतप्रस्त बीवियों के खातर गैर महबूदों की इबादत करके भी नबी, सुलेमान बाइबल के मुताबिक, हज़रत दाऊद जी राइट्स, थैंक यू सर, नहीं बस ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ये थे अब्दुल रहमान साहब और मनाजरे का तीसरा मरला भी काम पजीर हुआ। आप सवाल हो जो आपका सेशन शुरू होता है, जो मसीही साथी अब्दुल रहमान साहब से मुस्लिम मनाजरे से सवाल करना चाहते हैं वो एक तरफ आ जाए और तरतीब से।
इस तरफ से नहीं, सवाल रिकॉर्ड होगा। अच्छा एक सेकंड, सवाल पहले हिदायत सुन ले, सवाल आप करेंगे डायरेक्ट, कोशिश करें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और राय नहीं देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद अपनी सीट पर जाके बैठ जाएंगे, काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, मनाजिर को इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मसीही और मुस्लिम साथी दोनों के लिए हिदायत है, अपना नाम बताएं, सवाल करें और जाके बैठ जाए। पहले कौन है? गुड इवनिंग जी, मेरा नाम थॉमस है, मेरा सवाल अब्दुल रहमान साहब से है। ये जो आपने तौहीद के साथ एक शर्त आयद की और बताई, क्या ये फैसिलिटी कादियानी उठा सकता है तौहीद प्रस्त होने के साथ साथ? एक होती है रस्मी बात, मैं सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सवाल के लिए, बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया। क्यों, मुझे वजाहत का मौका मिल जाएगा जो मुझे टाइम की वजह से नहीं कर सके। भाई हमारा ये कुलिया सुन लो मुसलमानों का, जैसे आप कहते हो भाई हमें समय ना हो तो हमसे पूछो, इसी तरह हम भी यही अर्ज़ करते हैं कि यह सहूलत हमें भी फ्राहम की जाए कि हम जो हमारी बात है वो हम बताएँगे। जो आदमी ज़रूरियात दीन का मुनकर हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वो एक ज़रूरी बात का हो चाहे वो ज़्यादा ज़रूरी बात का हो। तो ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन का हिस्सा है, कादियानी हजरात ने उसका इनकार किया है, लिहाजा उनको मुसलमान होने के दायरे से निकाल दिया गया। वो बाकी सारी बातें मानते रहे हैं, ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरी बात ख़त्म नबूवत का उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए वो मुसलमान नहीं रहे। दूसरी बात, आपके दोस्तों के हो सकता है इलम में ना हो, 12 दिन का टाइम दिया गया था मिर्ज़ा नासिर को कौमी असम्बली में, 5 दिन का टाइम दिया गया था हकीम नूरुद्दीन के बेटे वो उमर को, और उसने 12 और 5 17 दिन उन्होंने मुकदमा पेश किया था। याहिया मुख्तियार अटारनी जनरल रोशन खैर आदमी था, उसने बार बार उनसे कहा यार उसको कह दो कि मुस्लिम है और फार्मर है, आप मुसलमानों में छुपे रहो। उसने कहा जब वो नबी है तो हम क्यों माने कि वो मुस्लिम था। तो भाई ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरी बात का इनकार उन्होंने किया, उन्होंने ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरी बात ख़त्म नबूवत का इनकार किया, लिहाजा वो बाकी सारी बातें माने भी तो मुसलमान नहीं हैं। और एक बात, अब टाइम है जी मेरे पास, दूसरी बात वो भी प्रोपेगंडा करते हैं, और ट्रंप को भी जा के वो शकूर भाई एनकों वाला बताता है कि हमें वो रसूम आते नहीं। भाई ये पर्सोनेशन का मसला है, तलबीस शख्सी का, कि एक मुसलमान नहीं है वो खुद को मुसलमान शो कर रहा है, उसको मुसलमानों की इस्लाहत इस्तेमाल करने से मना इसलिए किया गया कि तू भाई मुसलमान नहीं है, इसलिए तू अगर मुसलमानों वाली इस्लाहत इस्तेमाल करें तो हमें शामिल हो जा, वरना तू गैर मुस्लिम होते हुए मुसलमान, ये मसीही हजरात हैं, यहूदी हजरात हैं, सिख हजरात हैं, कोई भी किसी की इस्लाहत इस्तेमाल नहीं करता। इनका मुतालबा दुनिया से अनोखा है कि हम मुसलमान भी नहीं और मुसलमानों वाली इस्लाहत हमें इस्तेमाल, तो ये तलबीस शख्सी से उनको मना करने के लिए इस्लाहत का इस्तेमाल मना किया गया है, वरना उनके साथ जुल्म कोई नहीं है। नाम बताइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा और अपनी सीट पर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं मेरा नाम परवेज़ मसीह है, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा अब्दुल रहमान साहब से सवाल है, इन्होंने फरमाया कि पांचवी निशानी ये है सच्चे नबी की कि वो तबलीग के मामला में किसी से डरता नहीं है। पैगंबरे इस्लाम ताइफ़ गए और भी कबाइल से पनाह लेने जाते रहे। मेरा इनसे सवाल है कि ये डर कर पनाह मांगने का सिलसिला नहीं है? ठीक है, बस आ गए सर, मैं कर रहा प्लीज़। परवेज साहब ने जो सवाल किया, जब आप तशरीफ़ ले गए ताइफ़ में, पत्थर आपको पड़े, खून इतना बहा कि जूतियां भी पाँव के साथ चमट गई, तो ये डरना था, ये आप जहन में रखना कि वो डरना था। बारक्स नहंद नाम है जंगी कफूर, जो डरते हैं भाई वो धोती छोड़ के भाग जाते हैं। आपके साथी यसू के साथी धोतियाँ छोड़ के भागे, एक पतरस जिस पर उन्होंने कलीसा की बुनियाद रखी थी, जैसे चट्टान पर उन्होंने कहा था मैं अपनी कलीसा बनाऊंगा, वो भाई साहब ने 3 दफ़ा इनकार भी किया और यसु पर लानत भी की है। डरना इसको कहते हैं।
मसीह यसु में आप सबको सलाम। मेरा सवाल अब्दुलरहमान साहब से है कि आपने कहा कि पेश गोइयाँ किसी भी नबी के सच्चा होने की दलील होती हैं। बुखारी शरीफ 30:27 में लिखा हुआ है कि कसरा के बाद फिर कसरा नहीं होगा और कैसर के बाद दूसरा कैसर नहीं आएगा, लेकिन कैसर के बाद बहुत से कैसर आते रहे, ये पेशगोई पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात, बुखारी शरीफ की 43:74 में एक ही है कि पेशगोई से मुतल्लिक ही है। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि रसूलल्लाह को ख्वाब आया कि मुझे मेरे हाथों में 2 कंगन हैं और मैंने उसकी तबीर ली कि मेरे बाद 2 झूठे नबी जो हैं खड़े होंगे, लेकिन रसूलल्लाह के बाद 2 से ज़्यादा जो हैं झूठे नबी खड़े हुए थे। तो इनकी रोशनी में जो पेशगोइयों का मियार है उसका क्या हम मायने लें, क्योंकि ये पेशगोइयाँ उस तरीके से पूरी नहीं हुई। जी सैमसन जान साहब ने सवाल किया, बहुत शुक्रिया। वो जो कंगन थे वो 2 झूठे नबी थे जो आपके दौर में होने थे, आपने पूरी बात नहीं पढ़ी, और फिर मैंने फूंक मारी तो वो राख बनकर उड़ गए। तो वो जो 2 झूठे नबी आपके दौर में थे उनके बारे में थी पेशगोई पूरी है। आपने फरमाया कि कैसरा के बाद कैसर और कैसर के बाद कैसर और कैसरा के बाद कैसरा, आपने उनकी बादशाहियाँ ख़त्म होने की बात की थी और उनकी बादशाहियाँ ख़त्म हुई और मुसलमानों के हाथों से ख़त्म हुई। पेशगोई ज़रूरी नहीं किसी नबी के दौर में हो, जैसे याकूब से मुराद बनी इसराइल हैं, इसी तरह दूसरे जो उनके पेशगोइयाँ थीं वो उनकी औलाद में पूरी हुई, सदियों बाद पूरी हुई। तो इसी तरह जो आपने फरमाया था कि फलां जो बादशाही है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो बादशाहियाँ ख़त्म हुई और मुसलमानों के हाथों से, किसरा के बाद तो किसरा नहीं हुआ, और जो दूसरा था कैसर उसके बाद भी आपने देखा कि उनकी वो बादशाह ख़त्म हुई और मुसलमानों के हाथों से ख़त्म हुई। मेरा नाम आशर है और मेरा अब्दुलरहमान साहब से सवाल है कि वर्ड है अल्लाह और ये इस्लाम से कबल कॉमन नाउन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, इसके शवाहद जो है वो आपको इस्लाम से कबल मिलने वाले सिक्कों पर भी मिलते हैं जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है, यह लफ्ज़ अब्दुल्ला है, इससे पता चलता है कि ये वर्ड पहले था, एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो रहा था। तो ये इस्लाम में प्रॉपर नाउन कैसे इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जबकि क्रिश्चियनिटी में और इसी तरह से यहूदियत में यहवे जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, तो एकदम से ये फिर इस अल्लाह वर्ड आ गया एज ए प्रॉपर नाउन। तो आप इसको कैसे कंटिन्यूटी या तवातर जो आप कह रहे हैं उसमें कैसे इसको करेंगे? थैंक यू भाई। मेरे बाइबल में लफ्ज़ इल भी तो है, ये जो अल्लाह जो है अल इलाह का मरकब है और यहुवा उसका माना बाइबल में ही लिखा हुआ, मैं हूँ जो मैं हूँ। तो इलाह किसको कहते हैं? जिसके बारे में अकल सोचने लगे तो पहले ही कदम पर जवाब दे दे उसको इलाह कहते हैं। उसके साथ लग गया अल्लाह तारीफ़ का दी आर्टिकल लग गया उसके साथ तो वो बन गया अल्लाह। तो ईल उधर भी है, अल्लाह इधर भी है, दोनों ज़बानों में तलफ़ का फ़र्क तो होता है। मतलब आप शमा कहते हैं अरबी में, समा कहते हैं कलमा शमा या शीमा, अब वहाँ पर शीमा है इधर समा है कि सोना इसराइल, तो ये तलफ़ का फ़र्क तो ज़बानों में होता है। उधर ईल है, यहाँ पर अल्लाह है। अब ये कि अल्लाह लफ्ज़ कहाँ से आ गया? भाई लफ्ज़ इलाह का पहला माना जो है कि वो जिसके बारे में अकल इदराक ना कर सके। उधर क्या फरमाया? ये हुआ कि मैं हूँ जो मैं हूँ। सलाम, गुड इवनिंग। मेरा नाम पादरी रावल मसीह और मैं सियालकोट से हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कुरान के मैनुस्क्रिप्ट्स के बारे में बात की है, नुस्खों के बारे में, तो क्या कोई कुरान का ऐसा मोनोग्राफ मौजूद है जो फर्स्ट या वन एंड फर्स्ट हैंड जो रिटन हो, ऐसा कोई मैनुस्क्रिप्ट? सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सियालकोट से तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे भाई
ये اعتراض آپ کا تب بنتا تھا کہ آپ بتاتے کہ یہ بائبل شریف کا اصل مینوسکرپٹ موجود ہے, ہمارے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے. تو ایک ہی کشتی میں دونوں سوار کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, لیکن ہے نہیں, ہم نہیں ہیں. کیوں؟ یہ بخاری کی روایت نمبر ہے 5019, جس نے نوٹ کرنی کو نوٹ کر لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لکڑیوں کی تختیوں کی جلد بنوا کر مکمل مجلد چھوڑ گئے اور ابو بکر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کی کاپیاں تیار کرائی تھیں اور پروف ریڈنگ کے لیے کمیٹی بنائی تھی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سورہ قمر میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا, لیکن میں نے اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھا ہے تو وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے کہا ہے کہ کسی نبی کے دعویٰ نبوت میں سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی جو ہے اپنے صدق کا دعویٰ جو ہے فرما کر بعد میں اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی دکھاتا ہے, اور منکر جو ہیں وہ اس سے عاجز ہو کے رہ جاتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو کلام کو ثابت کرنے کے لیے دو معجزات عطا کیے گئے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ انعام اس کی 35 نمبر آیت میں کہ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم سے کچھ زور ہے تو زمین میں سرنگ ڈھونڈو, آسمان پہ سیڑھی لگاؤ, اور اس کے پاس سے کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت کر دیتا. دوسرا سورہ بقرہ کی 145 نمبر آیت, اس میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلوں کو بھی نشانیاں دی گئی تھیں تو ان کو اگر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس لیے آپ کو بھی کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی 118 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو نشان مانگتے تھے ان کو روشن نشانیاں دی گئی تھیں. تو آپ نے جن معجزات کا ذکر کیا ہے کیا وہ ان آیات کی روشنی میں خلاف قرآن نہیں ہوں گی؟ کیونکہ یہاں پر سچے نبی کے دعویٰ کے لیے جب کفار نے نشانیاں مانگی تھیں تو رسول اللہ نے قرآن کے مطابق ان کو کوئی نشان نہیں دکھایا تھا جو سورہ انعام کی 135 نمبر آیت کے مطابق ہے. سیمسن صاحب کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا یہ کہ چاند دو ٹکڑے ہونا معجزہ نہیں تھا, یہ قیامت کی نشانی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اس بات کو بڑا ناممکن جانتے تھے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے, یہ دنیا کیسے تباہ ہوگی. وہ پرانی ہڈی کو ایسے کرتے تھے رسول اللہ کے سامنے کہ خدا ان کو زندہ کرے گا, حضور فرماتے تھے ہاں خدا ان کو زندہ کرے گا. ان کو بڑے حیرانگی تھی یہ کائنات کیسے تباہ ہوگی, تو اللہ نے ایک نشانی توڑ کے دکھا دی کہ اس طرح سے میرے پاس سارے اختیارات ہیں, میرے پاس طاقت ہے, تو میں یہ توڑ کے دکھا سکتا ہوں اس طرح قیامت آئے گی. دوسری بات, معجزہ دکھانے سے تو سر ان کے فرمائشی معجزہ دکھانے سے انکار کیا گیا تھا. ایک ان کا فرمائشی معجزہ دکھا دیا, نو کے نو نہیں مانے. انہوں نے فرمائش کی, منا میں تھے حضور, نو سرداروں نے فرمائش کی کہ اگر آپ چاند توڑ دیں تو ہم مان جائیں گے, پھر وہ نہیں مانے تو اس کے بعد ان کے فرمائشی معجزہ دکھانے سے انکار کر دیا گیا. ورنہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کھانے میں سے سبحان اللہ و بحمدی کی تسبیح سنتے تھے, ہم پتھر سلام کرتے تھے, درخت سلام کرتے تھے, جانور آ کے سجدہ کرتے تھے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہر وقت تماشا نہیں لگا رکھتے میں شعبدہ بازی کا معجزات کا, وہ جب اللہ چاہے تو دکھاتے ہیں. اور جب ان کا فرمائشی معجزہ ایک دکھا دیا گیا, انہوں نے انکار کر دیا, نو میں سے ایک بھی نہیں مانا, تو اس کے بعد ان کے فرمائشی معجزہ دکھانے سے انکار کر دیا گیا. اللہ نے جب چاہا معجزہ دکھائے, جن کا میں نے ذکر کیا تھا, اور پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلیکٹڈ معجزات ہی ملے تھے. وہاں پر یہ نہیں تھا کہ وہ روزانہ مردے ہی زندہ کرتے تھے یا روزانہ وہ لاٹھی کا سانپ ہی بناتے تھے, ایسی بات نہیں تھی. اللہ جب حکم دیتا ہے تب نبی معجزہ دکھاتا ہے. السلام. بہت شکریہ. جن مسیحی ساتھیوں نے سوال کرنا تھا ان کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. اب جو مسلم ساتھی پاسٹر شفیع قبر صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. ان سے گزارش ہے کہ سوال کریں, اور سوال کرنے کے بعد تقریر نہ کریں, کاؤنٹر کوسچن جو ہے اس کی زیادہ دیر انٹریکٹ کرنے کے لیے سوال آپ ڈیٹیل سے کر سکتے ہیں. سوال والے
अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर रहील। मेरा पास्टर शफीक कमल साहब से पहला सवाल ये है कि आपने जब ये पहला ही सवाल होगा जी, इंशाल्लाह आखिरी नहीं होगा। आपने जब कैनन की बात की और बातें करते हुए कहा, एक मिसाल दी कि टेबल पे रखी हुई किताबें जो गिर गई, और उसमें आपने कहा कि आपके पास अपना मेयार है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो आपके पास अपना मेयार क्या है, और क्या वो हर फिर्के यानी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और सब के लिए अलग अलग है या कोई एक ही स्टैंडर्ड है? जी, सबका एक ही मेयार है और सब ने इसको कबूल किया। नंबर वन, मैंने आपको बताया था, मैंने बीच में बात भी कर दी, आपने गौर नहीं किया, कि मसीह यसु चूँकि खुदा है, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट की तो तस्दीक कर दी। जब मसीह यसु ने जिस बात की तस्दीक कर दी उस पर सवाल ना किसी ने उठाया ना उठाना ही चाहिए। दूसरी बात कि मसीह यसु के जो शागिर्द थे वो खुदा के साथ 3.5 साल रहे, जो उनकी कुर्बत में 3.5 साल रहे वो झूठ भी बोल नहीं सकते और उनके जहन रोशन हो गए थे। तो जब तक वो ज़िंदा थे किसी ने न्यू टेस्टामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, फिर जितनी भी जो अनाजील या न्यू टेस्टामेंट की किताबें हैं, मसीह यसु से और शागिर्दों से जितना फासला बढ़ता जाता है वो ठीक नहीं है। जो उनके जितनी करीब तरीन है, क्योंकि उस वक्त चश्मदीद गवाह ज़िंदा थे, इसलिए वो इस बात की निशानी है कि वो दुरुस्त किताबें थी। फिर मैंने आपको बताया कि ये कंसिस्टेंट है एक दूसरे के लिए। फिर चूँकि सलीबी वाक़या एक इम्पॉर्टेंट इशू था, एक संगे मील था, जिस किताब ने मसीह की ज़िंदगी, उसकी अंजीली खुशखबरी और सलीबी वाक़े की मुखालफत की है, वो तो हमें पता है कि वो उस कैनन के अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि इसी पे मसीहत कायम हुई। देखें, कैनन बाद में लिखी गई न्यू टेस्टामेंट की, लेकिन मसीहत पहले आ चुकी है, चर्च पहले कायम हो चुका है, इसलिए चर्च के पास ये अथॉरिटी थी, वो रिकग्नाइज कर सकते थे, इसलिए करते। और भी चीज़ें हैं और सारे चर्च इस पर मुत्तफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मेरा शफीक साहब से सवाल है कि आपने अपने मुकदमे में फरमाया था कि ये जो जहरीले पौधे हैं ये सज़ा के तौर पर दुनिया में बनाए गए थे, तो जब यसु मसीह ने सलीब के बाद ये गुनाह ख़त्म हो गया तो फिर ये तो सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इसी बात, ये कादियानियों का सवाल है, वैसे वो आपकी नज़र में काफ़र है, लेकिन जब सवाल करने हैं तो सारे उनकी किताबों से उठाते हैं। वो कहते हैं कि जब दर्द ज़े सज़ा के तौर पर औरत को कहा कि दर्द ज़े से, सवाल भी मैं आपका ठीक कर दूं कि ये दर्द ज़े सज़ा मिली थी कफ़ारे के बाद, निजात याफ्ता लोगों की सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये दर्द ज़े की सज़ा अभी क्यों, अभी तक क्यों बाकी है, यही सवाल है ना आपका? वो एक ही समझ गया। तो ये कहते हैं कि जहरीले पौधों की सज़ा भी ख़त्म हो जानी चाहिए। देखें, रूमियों का खत 8वें बाप में पढ़े तो लिखा है कि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों की राह देख रही है। सिर्फ इंसान ही नहीं, खुदा के बेटे वो हैं जो मसीह यसु को अपना खुदावंद मानते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी तो लिखा है कि मखलूकात भी फना के कब्ज़े से छूट जाएगी, और ये जो इनके अंदर तब्दीलियाँ आई ये सब ठीक हो जाएगी। ना सिर्फ इंसान दर्द दे में पड़ा, बल्कि चिरिंद परिंद पौधे जानवर सब उसकी जद में है, ये सब ठीक हो जाएगा। यसाया के अंदर ये बात लिखा है कि ये लिखी है कि उस वक्त शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिएंगी, शेर और चीता और बकरी भी एक साथ चरेंगे, दूध पीता बच्चा सांप के बिल में हाथ डालेगा, वो उसको कोई ज़रर नहीं पहुंचाएगा। ये ऐसा लगता है कि बाग आदन का माहौल है, खुदा इसको दोबारा से बहाल करना चाहता है, लेकिन उस वक्त जब ईमानदारों की तादाद दुनिया में बढ़ जाएगी। मसीह यसु ने ये जो झाड़ियां और ऊँट कटारे थे, जो उनके सर पर ताज था, वो कांटे चुन के उन्होंने उसका संगे बुनियाद रख दिया था, बाकी के कील कांटे हमने मनादी के ज़रिए उनको इस दुनिया में ख़त्म करना, और खुदा करेगा कि वो माहौल जब वापस से 0 मीटर पे हो जाएगा तो उस वक्त ना ये झाड़ियाँ होगी, ना ऊँट कटारे होंगे, ना कांटे होंगे, ना दर्द दे होगा, सब ठीक हो जाएगा।
आपने अपने मुकदमे में जो सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी, मेरी गुजारिश है कि अगर दूसरों को मौका दे दें, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है। सर ये सवाल का मना नहीं, मना नहीं किया, मैंने कहा अगर कोई नहीं, हमने किसी को रोका हुआ नहीं, हमने किसी को रोका हुआ नहीं है। एक मिनट, एक मिनट सर, मैं बात, हमने नहीं, मैं पाली साहब को जवाब, हमने किसी को रोका हुआ नहीं। जो मुस्लिम साथी सवाल करना चाहता है लाइन में आ जाए, लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो और रही बात उनकी, सैमसन साहब ने भी दो सवाल किए, थॉमस साहब ने भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ये मेरा काम है सर, मैं देख रहा हूँ। आपने अपने मुकदमे में जो सबसे पहली स्टेटमेंट दी थी वो थी नबी को खुदा की तरफ से होना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट थी आदमी रूहुल कुदस की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपको कैसे पता चलता है कि नबी खुदा की तरफ से है या रूहुल कुदस की तहरीक से खुदा की तरफ से बोल रहा है? ये आपको जो पता लगने का पैमाना, सिर्फ वो बता दीजिए। मैंने सारी चीज़ें बयान कर दी थी। बात यह है कि मैं एक वाक्या बयान करता हूँ, इमाल की किताब में है कि कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम शागिर्दों की नकल करते हैं और बदरूहों को निकालते हैं। उनके पास इख्तियार नहीं है, उन्होंने बदरूहों को निकालने की कोशिश की, बदरूहें उन पर झपटी, उनके कपड़े फाड़ दिए, वो नंगे भागे। भाई अगर कोई झूठा दावेदार आएगा तो वो इस किस्म के काम दिखा नहीं सकता। मसीह के शागिर्दों के बारे में हम जानते हैं कि लोग उनके पटके और रुमाल को छू जाते थे तो शफा पा जाते थे। तो मसीह के मतलब भी लोगों को पता था कि उनके हाथों से मौजात रूनमा हो रहे थे, उनकी तालीम से पता चलता था, शगिर्दों की तालीम और अथॉरिटी से पता चलता था। उनके पास अथॉरिटी भी होती है, उससे पता चल जाता है। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो फेल हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम जी, सरमद बिलाल मेरा नाम है, चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है। शफीक साहब, आपने जो बात की वो कंटिन्यूटी की बात की, एक निशानी जो किताब की या नबुव्वत की बात की कि कंटिन्यूटी की बात है। और ज़ाहिर है हम और आप जिस मज़हब दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, तौहीद उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आप तौहीद की इस वक्त तारीफ कर रहे हैं तीन अकानीम के साथ, पुराने अहदनामे में 1400 साल तक इस पर कोई बात हमें नहीं मिलती। ये कैसी कंटिन्यूटी है कि 1400 साल बाद वो कोई जिक्र ही नहीं, हज़ारहा पैगंबर आए, हज़ारहा चीज़ आए, कोई जिक्र ही नहीं कि ऐसे होगा, और एकदम आके कंटिन्यूटी जो है वो बन गई। ये तो और बुनियादी नुक्ता तौहीद, चीज़ भी तौहीद के अंदर है। ठीक है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा करता चलो कि ये जो कलमा शमा या कलमा तौहीद आप कह लें कि सुन ऐ इसराइल खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, इसके अंदर एलोहीम जमा के अंदर याहवे खुदा का नाम और एदोनाई तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर जिस तरह आप खुदा को वाहिद समझते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा याहवे लिख देना काफ़ी था। हम तो ऐसा समझते हैं, जबूर दो को आप पढ़ें तो लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं, खुदा और उसके मसीह के ख़िलाफ़ है कि हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंकें, ऐसा वो कर नहीं सकते। ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मैं आपको दो हवाले पढ़ के बता रहा हूँ, और भी ऐसे हैं। आपने चूँकि अचानक से सवाल पूछा तो ये कहना कि ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी इसके लवाजमात नहीं मिलते, मिलते। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है, मेरा मोहतरम शफीक कंवल साहब से सवाल ये है कि उन्होंने फरमाया कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाले वाक़े का बयान करते हुए कि जब उनको बेगुनाह करार दे दिया गया तो उसके बाद उनको फिर क्यों जेल में भेज दिया गया। अगर यही चीज़ हम देखें तो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मसीह के ख़िलाफ़ झूठी गवाहियाँ पाई गई, उनको झूठी गवाहियाँ करार दिया गया, पिलातुस ने उनको बेगुनाह करार दिया और उसके बाद फिर उनको मसलूब कर दिया गया, बात तो वही रही। जो एतराज़ वहाँ पर वारद हुआ यहाँ पर क्यों नहीं होता? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। देखें, मसीह यसू
कि पहले तो मैं हज़रत यूसुफ का वाक़या बयान कर दूं कि बाइबल के अंदर ये है कि उस पर जो एलिगेशन लगाया गया उसको सच माना गया इसलिए उसको जेल में डाला गया। कुरान मजीद में ये है कि उस पर जो एलिगेशन लगाया गया उसको झूठ माना गया और उस औरत को कसूरवार ठहराया गया, फिर उसको जेल में क्यों भेजा गया। अब आपने कंपैरिजन कर दिया मसीह यसू वाले मामलात में कि उसके गवाह झूठे थे, बेशक उसके गवाह झूठे थे, लेकिन आप अगली बात आप सुने कि जिसके सामने मुकदमा था वो मुकर गया था, वो कह रहा था मैं नहीं इसको सलीब देना चाहता। आप पूरी बात करें ना, आप आधी बात पिक कर ली, उसने तो अपने हाथ धो लिए थे कि मैं इससे बरी हूँ गुमा हूँ। वो जो मजमा था वो बलवा कर रहे थे और उसकी सीट को ख़तरा था, उस सीट बचाने की खातर उसने हुक्मनामा जारी कर दिया कि इसको स्लीप दो। और बात आपको बताऊं कि दो फोर्सेस काम कर रही थी, एक डिवाइन फोर्स एक सैटेनिक फोर्स। अबलीस की पूरी कोशिश थी कि यसु मसीह और कहीं तो मर जाए, स्लीप पर ना मरे, लेकिन जो डिवाइन फोर्स थी उसकी पूरी कोशिश थी कि यसु मसीह और कहीं ना मरे, स्लीप पर उसकी मौत वाकया। तो जो खुदा का मंसूबा था वो ये था, ऐन मंसूबे के मुताबिक हुआ। तो पूरे हालात और वाकयात को और कंटेक्स्ट के अंदर चीज़ों को समझें तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं। शफीक साहब, मैं आपको एक मौका फराहम करूँगा, एक अब्दुलरहमान साहब ने एक बात की थी उसके बाद आपको मरकज़ 949 सर, आपने जो आग में नमकीन करना है उसको मिसाल आपने दी कि जी दुनिया में हमारे मजालिम की भी एक मिसाल आपने उसमें पेश की, लेकिन दर हकीकत जो पूरी अगर आयात आप पढ़ें तो वो ये है कि जहन्नम के बीच उस आग में जाएगा जो कभी बुझने नहीं वाली, क्योंकि जो है वो हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, हर शख्स आग से नमकीन। सर मरकस फ्रॉम 43 to 49, मरकस 9:43 to 49 सर, ये आग जिसका जिक्र हो रहा है नमकीन करने वाली, ये ऊपर से आ रहा है कि जहन्नम की आग है, कि जहन्नम के बीच इस आग में जाए जो कभी बुझने वाली नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, ठीक है जी, इससे बेहतर है कि दो पाँव होते हुए जहन्नम में डाला जाए, अगर तेरी आँख तुझसे ठोकर खाए तो काना होकर बेहतर है कि दो आँखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बढ़ती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। ये जहन्नम की आग का जिक्र है सर, दुनिया की मसाइल, दुनिया के जो मुसीबतें हैं चाहे वो हम और हमारे मजालम का इसमें जिक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी पास्टर साहब, अब बैठ कर जवाब देंगे। जी जी, मैं वेट कर रहा हूँ। जी जी, अब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और आगे देखें, मैंने कहा था कंटेक्स्ट देखें, देख ऊपर जो है वो जहन्नमी की बात हो रही है, लेकिन आगे लिखा जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। अब इसको आपने जोड़ने की कोशिश की, आगे लिखें और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। ये जो कुर्बानियाँ हैं ये यहाँ ही होती, आगे जा के हमारी कुर्बानी नहीं होती। और इसकी मैंने ठीक मिसाल दी थी कि हम काफ़ी कुर्बानियाँ इधर दे रहे हैं और कंट्रीज़ में भी दे रहे हैं, तो यही हम आग से नमकीन किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफीक कमल साहब का। सवाल और नहीं, बस सेशन ख़त्म। जी, सवाल जो आपका सेशन भी ख़त्म हुआ और इसके बाद इसके साथ साथ मनाजरे का अख्ताम हुआ। मैं तमाम अहबाब का जो CDA की टीम शफीक कमल साहब उनका शुक्रिया अदा करूँगा, वह इतनी दूर से आए, और अब्दुलरहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया वो तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मैं इदारा ये जो हम जहाँ पर आज मनाजरा मुनक्किद हुआ और कल का मनाजरा भी मुनक्किद हुआ, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनकी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी जगह जो दी हमें कि हम यहाँ पर इल्मी महफिल सजा सके। और इसके अलावा जो हमारे मेहमान आए हैं दूर से उन सब का शुक्रिया, इंतज़ामिया की टीम में ज़फ़र इकबाल साहब का खसूसी शुक्रिया कि उनकी मामलत रहनुमाई से इस प्रोग्राम को हमने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम पहुँचाया। उसके अलावा सरमद बिलाल साहब का भी खसूसी शुक्रिया जिनकी मामलत साथ रही, और बाकी सैमसन साहब, अख्तर साहब और बाकी जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। इजाज़त चाहूँगा।